हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीडीसी। आइए आप बने रहिए मेरे साथ। डीडीसी ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये 1876 में फर्स्ट एडिशन आया था और जो 44 पेजेस का आया था और ये हमें को दिया था मैरी डीवी ने। अब हम इसका जो नंबर निकालेंगे वो 19 एडिशन के थ्रू निकालेंगे। डीडीसी 19 एडिशन, डीडीसी 19 एडिशन में तीन वॉल्यूम दिए हुए हैं, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम नंबर 3। वॉल्यूम नंबर 1 टेबल, वॉल्यूम नंबर 2 शेड्यूल, वॉल्यूम नंबर 3 रिलेटिव इंडेक्स। इस टेबल हमारी टोटल 7 है। टेबल नंबर 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, टेबल नंबर 2 एरियाज, टेबल नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर, टेबल नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ लैंग्वेज, टेबल नंबर 5 रेशियल इथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, और टेबल नंबर 6 लैंग्वेज, टेबल नंबर 7 पर्सन। और इसके बाद हमारे को दिया हुआ है 10 मैन क्लासेस, 10 मैन क्लासेस 000 जनरलिटीज, 100 फिलोसफी एंड रिलेटिव डिसिप्लिन, 200 रिलीजन्स, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 प्योर साइंस और 600 टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस, 700 द आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 जर्नलिस्ट, जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और हमारे को इस 10 मेन क्लासेस की भी 10 मेन क्लास दी हुई है। और 10 मेन क्लासेस हमारे को कौन सी हैं? 10 मेन क्लास जो हमारी फर्स्ट समरी कहलाती है, 100 डिविजन्स जो हमारी सेकंड समरी कहलाती है, और 1000 सेक्शन हमारे थर्ड समरीज कहलाते हैं। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी हम डीडीसी को फॉलो करेंगे तो हमें डीडीसी के बारे में पता होना चाहिए कि डीडीसी में किस किस टाइप्स की इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे पास डीडीसी तीन वॉल्यूम्स में है, वॉल्यूम नंबर 1 टेबल, वॉल्यूम नंबर 2 शेड्यूल, वॉल्यूम नंबर 3 रिलेटिव इंडेक्स। और भी मैंने आपको बताया किसके अंदर टेबल दी हुई है, 7 टाइप्स की टेबल है ये। और उसके बाद मेलविन डीवी जी ने हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 10 मेन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, और 10 मेन क्लासेस हमारे ये हैं। इस मेन क्लासेस को उन्होंने डिवाइड किया, 10 मेन क्लासेस को 10 के सब डिवीजन बनाए, 100, और 100 डिवीजन्स के बनाए सब डिवीजन, 1000 सेक्शंस। टोटल हमारे पास इस टाइम डीडीसी में 1000 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके बिहाफ पे संसार में पूरे वर्ल्ड में कोई सी भी बुक ले आओ उसका नंबर हम डीडीसी के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैंने मेरा पर्पस ये था आपको बताने का कि जब हम डीडीसी को सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें डीडीसी की पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि डीडीसी में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है गाइस, मैं आपको इसके बाद एक कॉन्सेप्ट कराता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए टू वी कंटिन्यू। आइए अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डीडीसी। देखिए सबसे पहले ये हमारे को एक टाइटल दिया हुआ है, इस टाइटल के भाव पे हमें नंबर निकालना है। इस टाइटल को नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस सब्जेक्ट का टाइटल है ये। दूसरा, अगर हमारे को नहीं पता लगता है तो हम किसका यूज करेंगे, रिलेटिव इंडेक्स का। अगर हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस सब्जेक्ट का है, उसके बाद कभी कभी मेन क्लास हमारे को टेबल से भी मिल जाती है, हमें ना इससे मिलेगी ना हमें इस आइडिया लगेगा, तो हम टेबल के थ्रू भी मेन क्लास को निकाल सकते हैं। यानी कि इस टाइटल का हमें बता सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा। जब हमारे को इस टाइटल का ऑब्जर्वेशन करके या रिलेटिव इंडेक्स करके या टेबल के थ्रू किन इन तीनों में से किसी भी अप्रोच से एक नंबर पता लगता है, तो उस नंबर को हम कहां पे सर्च करेंगे, शेड्यूल में। ये तीनों सर्च करेंगे कहां पे, शेड्यूल के अंदर। शेड्यूल में समझे हमारे को क्या मिलता है, मेन क्लास। जो भी आंसर निकलेगा हमारा यहां से निकलेगा,
बस ये कॉन्सेप्ट है इसका, आपको इसका ध्यान रखना है। हमें ये नहीं पता लगता कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, ठीक है गाइस। बस हमारे को जब भी टाइटल मिलेगा, टाइटल को आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर को आपको शेड्यूल के अंदर देखना है, ठीक है गाइस। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत आराम से निकलेगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। ये देखिए बिल्कुल मैं सिंपल एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि टाइटल दिया हुआ है, टाइटल को ऑब्जर्व करो। अगर आपको टाइटल का पता लगता है कि सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट पे जाओ। अगर एक पर्सन यही नहीं पता लगता कि टाइटल हमें समझ में नहीं आ रहा कि टाइटल क्या चीज़ें कहाँ से आया है, तो हम डायरेक्ट कहाँ से देखेंगे, हम रिलेटिव इंडेक्स से, फिर वहाँ से हम नंबर ले सकते हैं। और ये रिलेटिव इंडेक्स होता है, ये हमारा अल्फाबेटिकल होता है, अल्फाबेटिकल होता है मतलब डिक्शनरी की तरह होता है, डिक्शनरी वाइज होता है। ये डिक्शनरी वाइज होता है, जैसे डिक्शनरी देखते हैं ना हम लोग, उसी तरह से ये अल्फाबेटिकली उस वे में ही होता है और हम उसको आराम से देख सकते हैं। और कुछ नंबर हम टाइटल के थ्रू निकाल देते हैं। आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है वो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। देखिए ये एक टाइटल है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसको हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, हमने इसको महसूस किया कि ये किस सब्जेक्ट का टाइटल हो सकता है, तो हमारे को एक आइडिया मिला कि ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की लाइब्रेरी का मेन सब्जेक्ट है। तो जो हमारे को समरीज दी हुई थी, जो 10 मेन क्लास थी, उस 10 मेन क्लास की सब डिवीजन निकाली थी, ये डिवीजन निकाली थी 100, उसके अंदर देखो जर्नलिटीज मिला हमारे को, जर्नलिटीज के अंदर सारे हमारे शेड्यूल के अंदर लास्ट में टेबल के लास्ट में दिए होंगे। तो टेबल के लास्ट में देखिए यहाँ पे 0 to 0 किसका नंबर मिला, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मतलब कि 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक हमारा क्या है, लाइब्रेरी साइंस। अगर कोई भी टाइटल आपको एग्जाम में लाइब्रेरी से रिलेटेड आए तो आप ये समझ जाना इसकी जो मेन नंबर बनेगा वो 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में से ही बनेगा और वहीं से ही आपको नंबर मिलेगा। ये हम कहाँ देखेंगे, शेड्यूल के अंदर। हम इसको कहाँ देखेंगे, इसका हम सर्च करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, हम शेड्यूल में। तो शेड्यूल में जब हम चेक करेंगे तो हम अब उससे हमें पता लगेगा, अब हमारे को यहाँ पे शेड्यूल से ये पता लगा कि लाइब्रेरी का नंबर तो हमारे को मिल गया कहिए, तो हम शेड्यूल में क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन के 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक के बीच में कहीं ना कहीं पर क्लासिफिकेशन का नंबर दिया हुआ होगा। तो हमने जब देखा तो देखने के बाद हमारे को यहाँ पे मिला 0 to 5, यहां से डॉट 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 करके पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट फोर थ्री और यहाँ पे लिखा हुआ था क्लासिफिकेशन। तो ये जो मेन क्लास है हमारी, ये हमारी मेन क्लास है 0 to 5 और डॉट लगा हुआ है डॉट 42, ये दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। हाँ मैंने आपको एक बात बताना भूल गया कि जितने भी मेन क्लास आएंगी वो 3 डिजिट तक के बाद ही डॉट लगेगा और दोबारा डॉट कभी नहीं लगेगा, ठीक है गाइस। जैसे मान लो 3 ये डिजिट 3 मेन क्लास मिली, उसके बाद हमने एक डॉट लगा दिया, उसके बाद 42, तो ये हमारा क्या बना, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है गाइस। ये एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं पब्लिक लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी का अपने आप ही इंटरेस्टेड है कि लाइब्रेरी से मिल रहा है तो इसी बीच किसी के बीच में होगा, जब इसके बीच में होगा तो हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे। जब हमने यहाँ पे जाके सर्च किया तो हमारे को नंबर मिला पब्लिक लाइब्रेरी का 0 to 7 -- और यहाँ पे 0.4 और यहाँ पे लिखा था पब्लिक लिखा हो या पब्लिक लाइब्रेरी लिखा हो तब भी मालूम उसी में आएगा।
तो हमारी मेन क्लास क्या बनी, 027.4। तो हमारा ये फाइनल नंबर बना पब्लिक लाइब्रेरी का 027.4, ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग, एक टाइटल और हम ले लेते हैं लाइब्रेरी बिल्डिंग का। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई भी नंबर लेंगे तो ये हमारी मेन क्लास होगी ऊपर वाली, किसी भी पेज पे आपको मिलता है कुछ भी जो भी आप सर्च कर रहे हो और उसके ऊपर जो भी नंबर मिलेगा वो हमारी मेन क्लास होती है। यहाँ पे नीचे पेजेस नंबर दिए जाते हैं, ऊपर हमारी मेन क्लास होती है, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। इस प्रकार से जब लाइब्रेरी बिल्डिंग का सर्च करेंगे हम तो हमारे को यहाँ पे जब मिलेगा शेड्यूल में, शेड्यूल में यहाँ मिलेगा 021-... और यहाँ पे 022-... 1.2.3 और यहाँ पे लिखा होगा बिल्डिंग। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे देखते हैं बच्चे कि 03 लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बताया था ये वाला, तो यहाँ पे 021.3। लेकिन ये दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये 021 तो यहाँ पे खत्म हो गया, 022 हमारा स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे इसका नंबर बनेगा फाइनली 022.3। दिस इज ए करेक्ट, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा आप लोगों को। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है, समझने के साथ साथ इस पर ध्यान रखना है। आपके पास ऑनलाइन DDC अवेलेबल है, वहां पे कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद आप टेबल के लास्ट में जाके देखो, इसमें जो सब्जेक्ट दे रखे हैं 100, आप ज्यादा नहीं तो कम से 100 पे नजर मारो कि इसके अंदर क्या क्या दिए हुए। ये तो मैंने सिर्फ एक पहला 000 जनरलिटीज का बताया आपको, फिर 200 रिलीजन का, फिर 300 सोशल साइंस का, इस तरह से हम कंटिन्यू करते चलेंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लाइब्रेरी का बताया, क्यों बताया, क्योंकि एक आध टाइटल लाइब्रेरी का आपके एग्जाम में 100% आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा वेटेज रखो पढ़ाई पे। और ये थोड़ा सा आप इंडेक्स से ज्यादा बेटर है, आपका इंडेक्स में बहुत टाइम लगता है, जितना जल्दी पिकअप कर सकते हो तो इस सब्जेक्ट के थ्रू करो। आगे पीछे इसके पीछे 1000 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप उस 1000 सब्जेक्ट को देखो, उनके पीछे देखो कौन कौन सब्जेक्ट दिए हुए और किसका क्या नंबर दिया हुआ है। एग्जाम जब भी आएगा, एग्जाम के अंदर भी आप पीछे से ही देखना, सीधा नंबर मिलेगा और सीधा शेड्यूल में जाकर सर्च करना और जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, जो रूल होंगे उसको आपको फॉलो करना है, ठीक। हाँ जी, देखा आप लोगों ने कितनी आसानी से हम नंबर निकाल दिए, और इसी तरह से हम थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखो कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट समरी, सेकंड समरी, थर्ड समरी दी हुई है, उस पर रोज थोड़ा बहुत टाइम जरूर दो, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको पता लग जाए कि ये हमने कहीं ना कहीं देखा था, जिसके व्याप पे हम मेन क्लास तक पहुंच सके और जल्दी जल्दी हम अपना नंबर निकाल सके। आज हम पढ़ेंगे DDC 19 एडिशन की 7 टेबल्स। 7 टेबल जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी, हमारी 7 टेबल कौन कौन सी हैं, नंबर 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, नंबर 2 एरियाज, नंबर 3 सब डिवीजन ऑफ लिटरेचर, और नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ लैंग्वेज, नंबर 5 रेसियल, इथिक्स एंड नेशनल ग्रुप, और नंबर 6 लैंग्वेज, और नंबर 7 पर्संस। इस 7 टेबल्स है, इस 7 टेबल के भ्याप पे पूरे DDC के हमारे को नंबर निकालने होते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टैंडर्ड सब डिवीजन, टेबल नंबर 1। और टेबल नंबर 1 में हमारे को क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं, जैसे सेकेंडरी समरीज के अंदर से 100 डिवीजन दिए हुए हैं, 00 जनरलिटीज, 300, 300 सोशल साइंस, 500 प्योर साइंस। आइए हम एग्जांपल करते हैं, देखिए ये एक एग्जांपल है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी टाइटल होगा उस टाइटल को हमें ऑब्जर्वेशन करना है, ऑब्जर्वेशन करके हमें ये पता लगाना है कि ये किस सब्जेक्ट का है। तो हमारे को ये मिला कि ऑफ है, ऑफ मतलब इकोनॉमिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट बना इकोनॉमिक्स।
तो इकोनॉमिक्स का हमने नंबर कहाँ से लिया, सेकंड 100 डिविजन्स के अंदर, 100 डिविजन्स में हमारे भी 300 में सोशल साइंस के अंदर 330 इकोनॉमिक्स का नंबर मिला, इसका नंबर मिला इकोनॉमिक्स का नंबर मिला 30। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसको नंबर को सर्च करते हैं तो इस नंबर को कहाँ पे देखते हैं, शेड्यूल में, शेड्यूल में जाके देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कोई स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है या नहीं, स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन यस या नो, अगर स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है तो हमारे को यहाँ पे देखना होगा कि हमारे को जब हमने इस डीडीसी के अंदर जाके 3300 पे शेड्यूल में जाके देखा तो हमारे को इकोनॉमिक्स का नंबर मिला 330। मान लो ये इकोनॉमिक्स का नंबर है आपका, और इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सब डिविजन दिया हुआ था 0.02 से लेके 0.08 तक, और ये था हमारा स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये क्वेश्चन के शेड्यूल के अंदर आपको गिवन है, मिला है, हमें स्टार्टिंग में ही देखना है। 350 पे 330 पे जाएंगे और वहां पे स्टार्टिंग में देखेंगे कहीं ना कहीं पे स्टैंडर्ड सब डिविजन लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो हम रूल फॉलो करेंगे, अगर लिखा होगा तो जैसे डीडीसी में दिया हुआ है हम उस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने देखा 330 इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे को स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है, तो हमारे को एक रेंज दी हुई है, एक रेंज क्या दी हुई है 0.002 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये हमारे को रेंज दी हुई है, इनकी 0.02 से लेके 0.08 तक हमारे को स्टैंडर्ड सब डिविजन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को अब स्टैंडर्ड सब डिविजन के अंदर से जाके हमारे को किसका नंबर लेना है, डिक्शनरी का, ठीक है गाइस। जब हमने डिक्शनरी का नंबर टेबल वन में गए, टेबल वन में जाके हमने डिक्शनरी का नंबर देखा तो हमारे को डिक्शनरी का नंबर मिला 03, और वहां पर लिखा होता है डिक्शनरी, ये हमारी टेबल है, ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है गाइस। टेबल वन पे हमारे को मिला डिक्शनरी का नंबर 03, यहाँ पे 03 मिला है ये। अब हमारे को यहाँ पे नंबर दिया हुआ था डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसकी मेन क्लास क्या हो गई 330, इसकी मेन क्लास हो गई, और फिर 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद हम 03 लगाएंगे, 03 किसका नंबर है, डिक्शनरी का। अब यहाँ पे एक हमने देखा कि स्टैंडर्ड सब डिविजन दिया हुआ है 02 से लेके 03, 04, 05 एंड सो ऑन 08 तक, ये ऐसा कैसे आएगा, तो इसके अंदर हमारे को ये रेंज मिला, ठीक है गाइस। जब ये मिला तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, ये हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा 330.03। अब हम इसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे 330 इकोनॉमिक्स 03 डिक्शनरी, कहां से मिली हमारे को टेबल वन से, यहां लिखेंगे 330+03 330.03। यहाँ पे डिक्शनरी के लिए 0.03 लिखा है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0.02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये लिखना कंपलसरी है, इस लिखने से ही हमारा पूरा ही नंबर बनेगा, तो दैट इज फाइनल नंबर इज ये हमारा, ठीक है गाइस। समझ में आया, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कराता हूँ, हमारा टाइटल था डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, अब हमने ऑब्जर्वेशन करके ये पता लगाया है कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का जो नंबर है वो 330 था, 330 को हमने शेड्यूल में जाके चेक किया, शेड्यूल में जाके हमने क्या देखा कि वहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिविजन दिया हुआ है या नहीं, वहाँ हमने देखा कि हमारे को स्टैंडर्ड सब डिविजन मिला, तो वहाँ पे उसने रेंज दी हुई थी 0.0 से लेके 0.08 तक, मतलब इसके बीच में कुछ भी हमारा टाइटल आएगा जो हम सर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिविजन फॉलो होगा, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से फिर हमने ये रेंज यहाँ पे लिख ली, अब हमने हमारे को चाहिए डिक्शनरी का नंबर, इकोनॉमिक्स का नंबर मिल गया,
डिक्शनरी का नंबर हम कहां से सर्च करेंगे, हमें नहीं पता कहां पर है, तो बच्चे क्या करते हैं सीधा इंडेक्स में देखते हैं। इंडेक्स में बाद में जाना, पहले हम कहां जाएंगे टेबल में, टेबल में जाके वहां पे चेक करेंगे क्योंकि हमारा वहां टाइम बचेगा जल्दी से जल्दी। तो टेबल वन में जाके हमने देखा डिक्शनरी, हम क्यों गए टेबल वन में, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन की एक रेंज दी हुई थी और उसने ये बताना चाहा कि इस रेंज के अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइटल आएगा उसको आपको फॉलो करना है। इसलिए हम टेबल वन में गए और टेबल वन में जाके हमने डिक्शनरी देखी, डिक्शनरी का नंबर मिला हमारे को 03। जब हमारे को 03 मिला तो हमने ये नंबर फाइनल बनाया 330.03। और फिर इसको एनालाइज करना है आपको पेपर में, ये 3 नंबर का है ये 4 नंबर का है, ध्यान रखना है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। टोटल 7 नंबर का टाइटल आता है आपका, ठीक है गाइस, टोटल 7 टाइटल आएंगे, उसमें से 5 करने हैं, एक टाइटल 7 नंबर का है और 3 नंबर का ये है, 4 नंबर का एनालाइज करना है, इसलिए भी केयरफुली ध्यान से एनालाइज करना है आपको। 330 हमारा किसका नंबर दिया हुआ था, इकोनॉमिक्स का। 03 किसका नंबर दिया था, डिक्शनरी का। डिक्शनरी में कहाँ पे मिली हमारे को डिक्शनरी, टेबल वन में। आप जहां से भी जो भी नंबर जहां से उठाओगे आप उसको रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए, यहाँ से मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे टेबल वन में हमारे को मिला 0.02 से लेके 0.088 SS, that means standards of division, एक गिवन है, जब गिवन होगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है गाइस। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, सेम है डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री, वही प्रोसीजर रहेगा आपको, केमिस्ट्री का नंबर देखना है। केमिस्ट्री का नंबर हमने जाके देखा प्योर साइंस के अंदर, तो हमारे केमिस्ट्री का नंबर क्या मिला, 540, यहाँ पे मिला हमारे को 540, वही फिर 540 कहाँ दिखेंगे हम शेड्यूल में, वहां पे क्या चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन गिवन है या नहीं, तो वहां पे देखा कि नॉट गिवन, 540 के अंदर हमने जाके जब चेक किया तो हमारे को वहां पे स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन नहीं मिला। जब नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका नंबर अभी आपको मिला ही था, यहाँ पे अभी हमने देखा था 03 कहाँ से मिला था, टेबल वन से, तो यहाँ पे हमारा नंबर आएगा 540.03, ठीक है गाइस, ये नंबर यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे को स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन नहीं मिला तो यहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, क्या रूल फॉलो होता है, जब भी डॉट से पहले या डॉट के बाद अगर जीरो आए तो डॉट के बाद वाली जीरो को हम काट देते हैं, ठीक है गाइस, कैसे काटेंगे देखिए, ये नंबर दिया हुआ है इसको ऐसे काट देंगे तो यहाँ 540.3 ये फाइनल नंबर हमारा ये बना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा 540 एनालाइज करेंगे, केमिस्ट्री है और यहाँ पे 03 का नंबर हमारा है, डिक्शनरी का नंबर कहाँ से मिला हमारे को, टेबल वन से, टेबल वन से मिला, तो यहाँ पे 540 प्लस 3 लिखेंगे इक्वल टू 540.3, ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है गाइस, समझ आया। अगर आपको एग्जाम में कोई भी टाइटल मिलता है और उसके अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन गिवन है तो हम उसकी रेंज फॉलो करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वाला टाइटल में बताया था उसकी रेंज थी 0.2 से लेके 0.8 तक, तो 0.2 से 0.3 0.4 0.5 ये 8 तक था, तो हमारे डिक्शनरी का नंबर कितना था 0.3, इसलिए हमारी वो रेंज के अंदर आ गया, तो इसलिए हमने वहां पे जीरो नहीं काटेंगे, इसलिए हमने वहां पे लिख दिया था, ठीक है गाइस। तो ये सिंपल है, यहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल, ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट रूल है, पहला रूल है हमारे को जो भी डीडीसी के नंबर निकालने होते हैं रूल और इंस्ट्रक्शन के फॉलो पे उसके बेस पे निकालने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रूल पहले आता है, डॉट से पहले जीरो हो या बाद में हो तो डॉट के बाद वाली की जीरो को ओमिट कर देते हैं और उसके बाद हम ये फाइनल नंबर हमारा ये बनता है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, हमारे को एक टाइटल है स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इस टाइटल को हमने देखा
कि ये लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का है, तो इसकी मेन क्लास कहाँ पे जाएगी, 0 to 0 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये टाइटल हमारा लाइब्रेरी का है, तो 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में कहीं ना कहीं पर इनका नंबर मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे स्टडी एंड टीचिंग पर देखा, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर देखा, लाइब्रेरी की हमारी मेन क्लास 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे जाके देखा हमने क्लासिफिकेशन का नंबर, तो हमारे को यहाँ पे मिला 0 to 5.42, 43, 44 यहाँ पे मिला क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो हमारी मेन क्लास की अपनी 0 to 5.42। ठीक है गाइस, ये नंबर जैसे मैंने बताया था, किसका नंबर है ये, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नंबर। अब हमारे किसका नंबर चाहिए, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारे को ये नंबर मिला, तो हमें यहाँ पे कहाँ पे जाना है, शेड्यूल के अंदर, और शेड्यूल से क्या करना है, चेक करना है क्या कोई स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है या नहीं। कहाँ पे देखेंगे हम, इसकी मेन क्लास पे जाके। जब हमने इसकी मेन क्लास पे जाके देखा, तो हमारे को क्या मिला, ये हमारे को मिला 0 to 5 पे, यहाँ पे लाइब्रेरी ऑपरेशंस, और वहां पे लिखा हुआ था 001 से लेके 009 तक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये वहां पे हमारे को मिला शेड्यूल के अंदर, हमारे को मिला जब हम 0 to 5 पे गए। यहाँ पे 0 to 5 से क्लास में से यहाँ से आए, फिर इसकी मेन क्लास पे आएंगे, यहाँ पे 0 to 5 है, उसके अंदर हमने यहाँ पे देखा कि स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है या नहीं, तो वहां पे हमारे को लिखा हुआ मिला कि स्टैंडर्ड सब डिविजन, और उसकी एक रेंज दी हुई थी 001 से लेके 009 तक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये वहां पे गिवन था। अब हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा नंबर बना 0 to 5.42, ये नंबर था हमारा। अब यहाँ पे हमने इस रेंज के अंदर हमें देखना है, दो जो दिया है 01 से लेके 09, और दोनों में 0 कॉमन है, इनकी डबल 0 है, लेकिन हम काउंट दो से ही करेंगे, तो हमारे को स्टडी एंड टीचिंग का नंबर जब जाके देखा, तो हमारे को स्टडी टीचिंग का नंबर यहाँ पे मिला 07, ये स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर कहां पे मिला हमारे को, टेबल में। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हो ना आप लोग, टेबल में जब हमारे को ये नंबर मिला 07, अब हमने क्या किया, इसके अंदर से हम ये 0 नहीं देंगे, हम इसको फॉलो करेंगे जो ये 2 0 दी हुई थी, क्योंकि 07 आ रहा है, तो यानी कि 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया अपने आप ही, तो ये रेंज दी हुई है 09 तक की, 0.09 तक की, तो यहाँ पे हम 2 0 ऐड करेंगे और 7 लिखेंगे, 7 का नंबर, यहाँ पे 3 0 नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारे को स्टैंडर्ड सब डिविजन ने फॉलो किया हुआ है कि आपको 2 0 ही फॉलो करनी है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फाइनल नंबर ये बना। ठीक है गाइस, अब इस नंबर पे अब इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे 0 to 5 पे हमने क्या था हमारा, हमने देखा लाइब्रेरी ऑपरेशन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लाइब्रेरी ऑपरेशन, और फिर 0 to 5.42 यहां पे लिखेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, जब यहां पे लिखेंगे 0 to 5.42 यहां पे 00 लिख सकते हो, और यहां पे लिख देना रेंज 0.001 से लेके 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिविजन, ये गिवन है, बस अब इसको ऐड करके फाइनल नंबर बना दो। अब इसका नंबर स्टडी एंड टीचिंग का नंबर हमारा क्या आएगा, 07, यहाँ पे स्टडी एंड टीचिंग का नंबर है, स्टडी एंड टीचिंग का नंबर लिख देता हूँ पूरा, स्टडी एंड टीचिंग,
ये हमारा स्टडी एंड टीचिंग नंबर दिया हुआ है। अब इन तीनों को ऐड करके सीधा फाइनल नंबर बना दो, सीधा फाइनल नंबर हमारा ये बना। जब बनाएंगे इसको फाइनल नंबर हमारा ये बन के आ जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? नहीं समझ में आ रहा, अभी एक दो एग्जांपल और कहता हूँ आपको, बने रहिए बस मेरे साथ, देखते रहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को जितना जल्दी जितना ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा हमारी तरफ भी कोऑपरेट कीजिए, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, अभी हम नेक्स्ट टाइटल करते हैं, इंडेक्स ऑफ डीडीसी। ये सबके नंबर निकालता है, हम इसका नंबर निकालेंगे। डीडीसी मतलब ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन। अपने आप अंडरस्टूड हो रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा लाइब्रेरी साइंस का है और क्लासिफिकेशन का है। तो जब हमने जाके देखा लाइब्रेरी में 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में, तो हमारे को यहाँ पे मिला 0 to 5 के अंदर 0.42, 0.431 डीडीसी। हमारे को डीडीसी का नंबर मिला 431, ये नंबर मिला 431 डीडीसी का नंबर। अब हमने पूरा नंबर क्या मिला हमारे को 0.25, 0.431, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम कहां पे देखेंगे, अब शेड्यूल के अंदर। जब हमने शेड्यूल के अंदर देखा तो 0 to 5 पे हमारे को क्या मिला था, वही लाइब्रेरी ऑपरेशन, और वहां पे रेंज दी हुई थी 0.01 से लेके 0.009 तक, ये हमारे को नंबर दिया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डीडीसी का नंबर लिया, ये नंबर हमने शेड्यूल में जाके देखा, शेड्यूल में जाके हमारे को यहाँ पे मिला 0 to 5 और यहाँ पे डीडीसी का नंबर मिला। अब 0.5 की मेन क्लास पे आ गए, वहां पे हमारे को ये रेंज मिली, मतलब स्टैंडर्ड सब डिविजन लिखा हुआ मिला हमारे को। तो हम अपने आप ही स्टैंडर्ड टेबल सब डिविजन टेबल 1 के अंदर जाएंगे। अभी हम इंडेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत टाइम खर्च होता है इंडेक्स में। आपको मैं इंडेक्स की जरूरत होगी जब कराऊंगा, अभी डायरेक्ट आप यहाँ से नंबर निकालो, समझो पहले टाइटल को, उसका बेस समझो, डीडीसी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, स्टेप पकड़ो, स्टेप जैसे जैसे स्टेप्स आते हैं उस स्टेप को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं है, सिंपल है डीडीसी। बस लोग घबराते हैं, बच्चे घबराते हैं कि डीडीसी क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल है, ईजी है। बस थोड़ा सा ये थोड़ा रखना है कि हमें पहले क्या क्या सर्च करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे करना है। फिर एग्जांपल दोबारा से बता रहा हूँ, इंडेक्स ऑफ डीडीसी। हमने इंडेक्स ऑफ डीडीसी को सब्जेक्ट को ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करके हमारे को पता लगा कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है, तो 0 to 0 से लेकर 0 to 9 के बीच में जब हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो हमारे को यहाँ पे मिला 0 to 5 पे 431 डीडीसी का नंबर। अब इसकी हम यहाँ पे मेन क्लास पे आ गए, जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ चेक करना है आपको बार बार, यहाँ मेन क्लास पे आ गए, वहाँ पे हमने देखा स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है। जब स्टैंडर्ड सब डिविजन गिवन है, यहाँ पे जो उसकी रेंज दी है 0.0 से लेके 0.009 तक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, ये हमारे को गिवन है। अब हमारे पास नंबर निकालना है, लेकिन नंबर निकालने के पहले हमें इंडेक्स को फॉलो करना है, कहाँ पर, टेबल में। जब हम टेबल में जाके देखेंगे तो वहां पे हमारे को 016 इंडेक्स का नंबर मिला, इंडेक्स का नंबर क्या मिला 016। बस जैसे लास्ट टाइटल कराया था उस तरह से फॉलो करेंगे, कैसे 0 to 5.431, इसके बाद 2 जीरो ये आनी आनी है, ये मैंने बताया था आपको, और फिर हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा 16, दैट इज फाइनल नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ डीडीसी। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको। अब इसको एनालाइज कर देंगे, वही 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशन, जीरो टू फाइव पॉइंट फोर थ्री वन, यहाँ पे 0.0 इसको लिख देंगे हम, क्या निकाला था हमने डीडीसी। ठीक है गाइस, डीडीसी ये निकालने के बाद अब हमारा इंडेक्स का नंबर है, इंडेक्स कितना दे रखा था 016, और इंडेक्स का नंबर हमारा क्या था, इंडेक्स ये कहाँ से मिला था हमारे को, टेबल 1 से। अब इसको फाइनल कर देंगे 0 to 5
0.43100 प्लस 16 इक्वल टू 0.25430016। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? मैं एक बार रिपीट कराता हूँ। इंडेक्स ऑफ डीडीसी, हमारे को टाइटल मिला इंडेक्स ऑफ डीडीसी। डीडीसी को हम समझ गए कि हमारी लाइब्रेरी साइंस की क्लास है, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर जाके हमने शेड्यूल में जाके चेक किया तो हमारे को मिला 431 डीडीसी का नंबर। फिर इसकी मेन क्लास पे यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आके देखा हमारे को एक स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ था 001 से लेके 009 तक, तो यहाँ पे हमारे को 06। यहाँ एक डाउट चल रहा होगा आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 001 से लेके 009 तक, और हमारे को जो इंडेक्स का नंबर मिला है 016 मिला है टेबल 1 से। ये मालूम कहां से मिला है? टेबल 1 से। ठीक है, अब 06 मिला है तो इन जीरो को हमें यहां फॉलो करना है यहां पे। ठीक है, 01 02 03 05 06, हमें स्टार्टिंग की दो डिजिट ही देखनी है, ये ध्यान रखना है आपको। स्टार्टिंग की ये 00 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने इसको फॉलो किया और फाइनल हमारा ये नंबर बना। ठीक है गाइस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो हमारे को रेंज दी हुई थी स्टैंडर्ड सब डिवीजन की, अगर जो अगर एक जीरो देगा तो हम एक जीरो लगाएंगे, दो जीरो देगा दो जीरो लगाएंगे, तीन जीरो देगा तीन जीरो लगाएंगे। जिस तरह से हमारे को इंस्ट्रक्शन डीडीसी देगा, हमें उस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है गाइस, ये समझ में आया? आइए हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि हमारे को ऑफ के बाद जो दिया वो हमारी मेन क्लास होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे को हमने देखा हमारे जो 100 डिविजन्स थे उसके अंदर हमने देखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर 350 गिवन है। ठीक है गाइस, 350 पे यहाँ पे हमने इसका नंबर देखा 350। बस अब इस 350 का नंबर, अब इस 350 को हम कहाँ पे देखेंगे? शेड्यूल में जाके देखेंगे कि शेड्यूल में कुछ गिवन है या नहीं। जब हमने शेड्यूल में जाके देखा तो हमारे को 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे को क्या मिला? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे को मिला कि यहाँ पर जब 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया हुआ था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे 0001 से लेके 0.999 स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन था। ठीक है, सुन रहा आपको? 0000001 से लेके 0.999 तक हमारे को एक रेंज दी हुई थी और जिसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन था। ठीक है, अब हमारे को देखना है, हमारे को ये पता लग गया शेड्यूल के अंदर के ये दिया हुआ है, यहाँ पे जाएंगे शेड्यूल में। मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ जो आपको याद हो जाए। फिर यहाँ पे हमारे को स्टैंडर्ड सब डिवीजन दे रखा था 001 से लेके 0.999 तक, ये हमारे को गिवन था। अब हमारे को किसका नंबर चाहिए? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का नंबर। अब हम कहाँ पे जाएंगे? टेबल 1 में। टेबल 1 में हमारे को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का नंबर मिला 07154। किसका नंबर है? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, ये हमारे को टेबल के अंदर मिला। टेबल के अंदर क्या मिला? ये वाला नंबर। अब हमारे को रेंज दी हुई है यहाँ पे 30 लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारे को 10 लगी हुई है, तो हम उसका नंबर क्या बनाएंगे? मेन क्लास हमारी बनी 350 point, तो यहाँ पे 30 है तो इसको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको इसके अंदर हमारे को दो डिजिट देखनी है लास्ट की, तो 01 है तो यहाँ पे 07 08 point 09 तक, ये इसी रेंज के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे को क्या आएगा? 1 2 3 3 0 लगाएंगे, 30 से लगाएंगे, क्योंकि हमारे को डीडीसी में इंस्ट्रक्शन मिला था स्टैंडर्ड सब डिवीजन का कि आपको स्टार्टिंग करनी है 30 से। ठीक है गाइस, तो 30 हमने लिया तो हमारे को यहाँ पे इसका नंबर क्या मिला? हमारे को 1754, दैट इज ए फाइनल नंबर ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो 350 पे हमने क्या लिखा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और 350 पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम 001 से लिख के 0.99 तक हमारा स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन गिवन है। इसके बाद हमारे कॉरेस्पोंडेंस का क्या मिला, 01754 कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेस कहाँ से मिला, टेबल वन से। अब इनको ऐड कर देंगे 350.000 प्लस 1754 दैट इज फाइनल नंबर ओ 350.001754। ठीक है गाइस, समझ आया आपको, मैं एक बार रिपीट करके बताता हूँ आपको। टाइटल हमारा था कॉरेस्पोंडेंस कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारे को ये पता लगाना था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंदर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग 100 डिविजन्स की टेबल जरूर याद करो, उसको देखो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं और उस नंबर को जल्दी से आप फटाफट मेन शेड्यूल पर पहुंच जाओगे। ठीक है गाइस, तो हमने वहां पे जाके देखा 100 डिविजन्स के अंदर, तो वहां पे हमारे को कहां पे मिला, 350 पे इसका डायरेक्ट नंबर मिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब 350 को हमने कहां पे सर्च किया, शेड्यूल में। जब शेड्यूल में हमने जाके चेक किया तो वहां पे हमारे को रेंज मिली स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन 0001 से लेके .999 तक। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे यानी कि ये जो इसकी रेंज है वो 0000 की है। तो यानी कि अब हमने इसकी मेन क्लास ली 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये रेंज दी थी, इसको फॉलो कर दिया हमने। तो 350.30 क्यों आई है, इसी वजह से 30 आई है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 00 नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता तब जब 10 काट सकते थे हम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे को ये आ गया। इसके बाद हमारा फाइनल नंबर बना 350.001754। ठीक है गाइस, आपको कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगी। मैं कुछ एग्जांपल्स और कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे DDC फर्स्ट टेबल का Part 2। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसके बिहार पे कुछ हम एग्जांपल्स करेंगे। आइए, ये मैंने सब्जेक्ट्स लिए हैं 020 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 300 सोशल साइंस, 330 इकोनॉमिक्स, 340 लॉ, 351 सेंट्रल गवर्नमेंट, 375 करिकुलम, 380 कॉमर्स ट्रेड, 500 प्योर साइंस, 514 टोपोलॉजी, 540 केमिस्ट्री। डियर गाइस, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा ये जनरल ऑफ करिकुलम, इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा क्या बना, करिकुलम। करिकुलम का हमारे को नंबर गिवन है यहाँ पे 375। अब 375, अब इसको हम कहाँ पे देखेंगे, शेड्यूल में। शेड्यूल में जाके चेक किया हमने, क्या चेक किया, यहाँ पे 375 पे करिकुलम दिया हुआ था और वहां पे हमारे को दिया हुआ था 0001 से लेके 0008 तक स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन। ठीक है गाइस, अब हमारे को किसका नंबर चाहिए, जनरल्स का नंबर। तो जनरल्स के नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सीधा जैसे मैंने बताया था कि शेड्यूल में जाके देखेंगे कि आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर भी हम टेबल वन में जाएंगे, अगर दे रखा है तब तो हमें जाना ही जाना है। ठीक है गाइस, टेबल वन में गए तो वहां पे हमारे को 05 नंबर मिला सीरियल का। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल पब्लिकेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रोटिकल्स, ये यहाँ पे सीरियल पब्लिकेशन 05 और यहाँ पे प्रोटिकल्स, ये हमारे को 05 टेबल में हमारे को मिला 05। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे जो रेंज दी हुई थी क्या दी हुई थी, 0.0001 से लेके 0.008 तक, दैट मीन्स 375.0005, दिस इज ए फाइनल नंबर। ठीक गाइस, समझ में आया आपको। अब इसको एनालाइज करते हैं, 375 पे हमारे को क्या दिया हुआ था, करिकुलम,
हमारे को 0005 पे सीरियल पब ये जनरल का नंबर लिखेंगे हम। लेकिन उसके साथ हमें यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है 1 से लेके 0.008 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, इनको ऐड कर देंगे 375 प्लस 0005 इक्वल टू 375.0005 ये हमारा आंसर। उसी के व्याप पे जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था उसी पैटर्न के थ्रू हम करते चलेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टेबल एंड फार्मूला इन इकोनॉमिक्स, ये हमारा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स का नंबर हमारे को पता है 330 ये मिला। इसके बाद हम सीधा कहाँ पे गए, सर्वे में हमने 330 खोला तो वहाँ पे हमारे को मिला है स्टैंडर्ड सर्वे डिवीजन 0.02 से लेकर 0.08 तक। बिल्कुल स्टार्टिंग में देखते हैं 330 के, ठीक है गाइस, ये हम जाएंगे सर्वे में। ये स्टेप याद रखना है आपको किसके बाद क्या करना है और देन किसके बाद क्या करना है। इसके बाद ये हमारा सर्वे मिला और यहाँ पे हमारे को स्टैंडर्ड सर्वे डिवीजन क्या मिला 0.02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सर्वे डिवीजन। आइए अब हम करते हैं इसका, अब इसके बाद हमने टेबल एंड फार्मूलाज का नंबर टेबल वन में गए, इसको देखने के बाद टेबल वन में गए। जब टेबल वन में गए तो हमारे को टेबल वन में मिला 0212 टेबल फार्मूलाज, ये वहाँ पे मिला था। अब हम क्या करेंगे 330.0212 यहाँ पे 02 है, इसकी स्टार्टिंग की जो दो वर्ड होते हैं इसको ही फॉलो करना होता है हमारे को, मतलब कि हमारा सीरीज के अंदर आ रहा है तो दैट मींस दिस इज ए फाइनल नंबर, ये हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा। अब इसको एनालाइज करेंगे 330 किसका नंबर है, इकोनॉमिक्स का 0212 किसका नंबर है, टेबल फार्मूला यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है 02 से लेके 0.08 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन 330 प्लस 0212 इक्वल टू 330.0212 दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ टेबल एंड फार्मूला इन इकोनॉमिक्स, ठीक है गाइस। समझ में आया, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कराता हूँ। देखिए हमारा टाइटल था टेबल्स एंड फार्मूलाज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की मेन क्लास में गए, मेन क्लास में जाके शेड्यूल में हमने जाके देखा, जब हम शेड्यूल में गए शेड्यूल में जाके देखा तो वहाँ पे हमारे को एक स्टैंडर्ड सब डिवीजन गिवन था। अब इसके व्याप पे हम टेबल वन में गए, टेबल वन में जाके देखा तो टेबल एंड फार्मूलाज का नंबर हमारे को यहाँ पे मिला, जब उसका नंबर मिला तो हमने देखा कि जो रेंज यहाँ पे थी उसी रेंज के अंडर में आ रहा है, स्टार्टिंग के दो पॉइंट लेते हैं ध्यान रखना इसी रेंज के अंदर आ रहा है तो हमने उसको फॉलो किया और फिर हमने फाइनल नंबर ये बना दिया। फिर इस नंबर से फिर हमने इसको एनालाइज कर दिया 330 इकोनॉमिक्स 0212 टेबल्स एंड फार्मूलाज 0.002 से लेके 0.008 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन और फाइनल हमारा ये नंबर बना है। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन निकल ले। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेड, ट्रेड हमारे को दिया है, ट्रेड का नंबर हमारे को यहाँ पे मिला 380 कॉमर्स ट्रेड। फिर जब आपने यहाँ के सर्कल में लिखा ट्रेड का नंबर हमारे को यहाँ पे मिला कॉमर्स के अंदर 380.1 ट्रेड का नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 380.1 और फिर 381 मिला। तो उसके बाद स्टैंडर्ड सब डिवीजन पे जाके देखा हमने तो वहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ था 1.103 से लेके 0.109 तक। अब हम देखते हैं इसका नंबर, इसका नंबर हम कहाँ पे देखेंगे, टेबल वन में। टेबल वन में जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है तो उसके भाग पे अब हम टेबल वन में देखेंगे तो इसका नंबर हमारे को मिला टेबल वन में 0601 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे इसका नंबर मिला 0601 ये हमारे को इसका नंबर मिला। अब हम इसका राइट नंबर बनाएंगे, ये जो नंबर मिला 06
इस रेंज के अंदर नहीं आ, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट। अगर हमारे को किसी रेंज के अंदर हमारा कोई भी टाइटल नहीं आता है तो जो नंबर जैसे भी टेबल में लिखा हुआ है एज इट इज ही लिख देंगे हम। जैसे यहाँ पे 380.18 का नंबर, फिर इसके बाद हमारा 0601 डैट नंबर लगेगा, दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेड। अब 380 इसमें लिखेंगे कॉमर्स, 380.1 हमारा ट्रेड है, 0601 इसका नंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आंसर मिला टेबल वन से, बस सीधा नंबर बन गया 380+0601=380.0601, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को कोई भी टाइटल है, जितना जल्दी आप इस 100 डिविजन्स के सब्जेक्ट्स को फॉलो करोगे आपको उतना जल्दी नंबर मिल जाएगा। बच्चे इंडेक्स में देखते हैं और इंडेक्स में काफ़ी टाइम लगता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, डेली थोड़ा बहुत टाइम डेली दो कि किस सब्जेक्ट का क्या नंबर दिया हुआ है। ठीक है गाइस, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिसर्च ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे को दिया हुआ है रिसर्च ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारे जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिला तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले यहाँ पे सर्वे में जाके देखा 100 डिविजन्स के अंदर, तो 351 पे हमारे को दिया हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसका नंबर बना हमारे को 351 सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर। अब इस 351 को हमने कहाँ पे जाके सर्च किया, सर्वे में, सर्वे में जाके चेक किया तो 351 पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नंबर मिला। वहाँ पे भी हमने देखा 351 पे कि वहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था 0.0007 to 0.009 तक, तो यहाँ पे हमारे को क्या मिला, मैंने बताया यहाँ पे सबल में देखेंगे और सबल में देखने के बाद हमारे को क्या मिला 0.0007 से लेकर 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन। बस अब इसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, जैसे जो हमारा पैटर्न चल रहा था, जो स्टेप्स चल रहे थे, हमें उसको ही फॉलो करना है। हमने यहाँ पे देखा, इसके बाद हम टेबल पे जाएंगे, टेबल पे देखा हमने टेबल वन में हमारे क्या मिला 072 रिसर्च का नंबर, इसका नंबर क्या मिला 072, ये हमारे को रिसर्च का नंबर मिला। अब इसका नंबर बनाएंगे, किस तरह से नंबर बनाएंगे, 351.000 आएगी यहाँ पे 000 और यहाँ पे 72, बस बन गया नंबर इजी। जितने भी मैंने एग्जांपल आपको करा रहा हूँ स्टेप्स वही है, पैटर्न वही है, बस एग्जांपल मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेस मजबूत होगा, उसके व्याप पे आप लोग तो ये देखिए। अब इसको हम कंटिन्यूस करेंगे, एनालाइज करेंगे, एनालाइज 351 पे हमने क्या दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई प्रोसीजर है, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि इसके 4 नंबर होते हैं एनालाइज के और 3 नंबर इसके होते हैं, टोटल 7 नंबर का एक टाइटल होता है। आपके एग्जाम में 7 टाइटल आएंगे, उसमें से आपको 5 करने होंगे और एक टाइटल 7 नंबर का होगा, वो 7 नंबर इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं 00072 रिसर्च, कहाँ से मिला टेबल वन से। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 0.0072.0009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ये लिखना कंपलसरी है 351+0072=351.0072, दिस इज फाइनल नंबर ऑफ रिसर्च ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ऑक के बाद जो आएगा वो हमारा मेन क्लास होती है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप जानते हो कि लाइब्रेरी जो मेन क्लास है 0 to 0 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी टाइटल अगर लाइब्रेरी का आएगा तो 0 to 0 से लेके 0 to 9 के बीच में से ही नंबर बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 to 5.42 पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम 0 to 5 पे गए तो वहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था, स्टैंडर्ड सब डिवीजन। जैसे इसका नंबर क्या बना हमारा 0 to 5.42। इसके बाद सर्वे में हमारे को वो मिला तो क्या नंबर मिला, 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ये हमारे को दिया हुआ था। अब उसके बाद हमारे को क्या, अब हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स, पहले सब्जेक्ट में देखा, उसके बाद जब कहाँ पे जाएंगे हम, टेबल वन में। जब टेबल वन में गए तो वहाँ पे हमारे को मिला 0.5 साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसका नंबर बना हमारे को 0.5 साइंटिफिक प्रिंसिपल। बस हम नंबर बनाएंगे 0 to 5.42 पॉइंट लगा के, और ये 2 0 तो हमारे स्टैंडर्ड के बीच में आ रहे हैं यहाँ पे आ गए वन के अंदर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 0.015 ये हमारा फाइनल नंबर बना। तो यहाँ ठीक है गाइस, 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशन ये हमारे को डीडीसी में इस 0 to 5 की मेन क्लास जहाँ पे है वहाँ पे मिलेगा हमारे को 0 to 5। इसके बाद 0 to 5.42 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल। और यहाँ पे लिखेंगे 0.001 से लेके 0.009 तक स्टैंडर्ड सब डिवीजन, और फिर फाइनल नंबर 0 to 5.4200 प्लस 0.015 ये बन जाएगा 0 to 5.42001। This is a final number. ये हमारा नंबर बना। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसके मेन क्लास पे गए वहाँ पे हमने देखा 0 to 5.42 पे क्लासिफिकेशन नंबर मिला स्कूल में। स्कूल पे जाके फिर 0 to 5 पे गए वहाँ पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन मिला। स्टैंडर्ड सब डिवीजन के अंदर हम जब उसके बाद कहाँ पे गए, टेबल वन में गए। टेबल वन में देखा साइंटिफिक प्रिंसिपल का नंबर है 0.15, तो 0.15 मिला हमारे को। तो हमने इसके अंदर ये 0.15 इसके अंदर आ रहा है इस रेंज के अंदर, तो हमने इसको फॉलो किया। फॉलो करके हमने फाइनल नंबर ये बना दिया 0 to 5.42 ये वाली और 15 ये फाइनल नंबर बन गया। अब इसको अपन एनालाइज कर दिया 0 to 5 लाइब्रेरी ऑपरेशन, 0 to 5.42 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, 0.015 साइंटिफिक प्रिंसिपल, 0.001 से लेके 0.009 स्टैंडर्ड सब डिवीजन ये कंपलसरी है। ठीक है गाइस, उसके बाद 0 to 5.42 प्लस 0.0 प्लस 15 0 to 5.42 0.015 ये हमारा नंबर बना। देखिए मैं आपको जितने भी एग्जांपल्स करा रहा हूँ सबका पैटर्न वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आइए एक दो एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा केमिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, वही सेम पैटर्न जो पिछला टाइटल कराया था मैंने आपको। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का नंबर ये चलेगा हमारा 0 to 5.42 और स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ था तो हमारा 0.0 ऐड आ गया। अब हमारे को यहाँ पे दो मेन क्लास है, एक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और एक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नंबर हमारे को नंबर मिला 540, तो यहाँ पे इसका नंबर है केमिस्ट्री का नंबर 540। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखे हैं, केमिस्ट्री प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल का नंबर क्या है 0.15। उसके बाद यहाँ पे हमारे को ये नंबर दिया हुआ। अब हम इसको नंबर को किस तरह देखेंगे, जब हमने इसमें जाके देखा सब में तो ये नंबर मिला, फिर हम टेबल वन में गए,
टेबल वन में देखा प्रिंसिपल का नंबर, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, डीडीसी में इंस्ट्रक्शन है एड 015 बेस नंबर फॉलोइंग 5 in 5 10 to 5 90, मतलब कि बेस नंबर 015 बताया और फॉलोइंग का मतलब ये इसका मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है गाइस। तो फॉलोइंग 5 यानी कि 5 को रिमूव करेंगे किसके अंदर से, 5 10 to 5 90 की मेन क्लास से। अब हमारे को 5 10 to 5 90 की जो मेन क्लास 540 हमारी इसके अंदर आ रही है। अब हम कैसे करेंगे आइए अब देखते हैं। 02 5.42 00 और ये 15, यहाँ तक हमारा बन गया लाइब्रेरी प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसके बाद इसका नंबर लगाएंगे 540 केमिस्ट्री का। अब इस 5 को हम काट देंगे, इस 5 को काटने के लिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेंज दी हुई है, रेंज क्या दी हुई है 5 10 to 5 90 में से फॉलोइंग मतलब हटाना, जहाँ पे भी डीडीसी में कहीं भी कोई भी इंस्ट्रक्शन में फॉलोइंग लिखा हुआ आएगा आप समझ जाना उसको हटाने के लिए कह रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, एग्जामिनर को बताएंगे कि हमने यहाँ पे क्यों काटा और ये हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉलोइंग 5 in 5 10 to 5 90। इसके बाद फाइनल नंबर बनेगा 02.42001540। दिस इज इट करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। समझाया आप लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी इंस्ट्रक्शन डीडीसी देगा हमें पहले उसको फॉलो करना है, रूल को फॉलो नहीं करेंगे, बस इसमें जैसे जैसे कहेगा हमें वैसे वैसे ही करना है। अब इसको एनालाइज कर देंगे, ये हमारा नंबर बन गया 02.05 हमारा लाइब्रेरी ऑपरेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 015 साइंटिफिक प्रिंसिपल और हमारे को 540 किसका नंबर था केमिस्ट्री का। जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर ये मिल के आएगा। समझ आ रहा गाइस, नहीं समझ आ रहा हो तो मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूँ। केमिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये हमारे को दिया हुआ था, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये नंबर लिया हमने, इस 02.42 क्लासिफिकेशन का नंबर, फिर 025 पे गए हम तो वहाँ पे हमारे को क्या मिला था, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर मिला था तो हमने यहाँ फॉलो कर दिया। इसके बाद करने के बाद हमारे को 540, जब हम 015 पे गए तो साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब है कि 510 और इसमें ये लिखा हुआ था कि बेस नंबर एट 015 बेस नंबर फॉलोइंग 5 in 5 10 to 5 90। अब मतलब कि इस रेंज 510 से लेके 590 के बीच में कोई भी मेन क्लास आएगी, कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो आपको वहां से 5 नंबर हटाना है। कैसे हटाएंगे वो मैंने आपको ये करके बताया कि 02.42 00 15 यहाँ तक सेम आ गया, उसके बाद 540 ये केमिस्ट्री का नंबर आया, फिर हमने 5 को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद इसके आगे ही लिखेंगे हम, ये बताएंगे एग्जामिनर को कि हमने ये क्यों काटा है, ये दिखाना है आपको पेपर में। तो यहाँ पे फॉलोइंग 5 in 5 10 to 5 90 और उसके बाद फिर हमारा फाइनल नंबर बन गया, फिर इसको हम एनालाइज कर दिया, ठीक है गाइस। आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल और। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा टोपोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हो या खाली क्लासिफिकेशन वो लाइब्रेरी की फील्ड में ही आएगा, ठीक है गाइस। कभी ये मत सोचना कि यहाँ पर लाइब्रेरी लिखा हुआ, टाइटल हमारा यही बन रहा है कि टोपोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, वही सेम पैटर्न ये जैसे मैंने आपको बताया था 025.42 00 ये पता लग गया आपको, समझ में आ गया वही उसी पैटर्न के हिसाब से। अब हमारे को टोपोलॉजी का नंबर हमने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे मिला 514 टोपोलॉजी का नंबर, कितना नंबर मिला हमारे को 514। अब यहाँ पे 514 नंबर मिला, ये 510 to 590 के बीच में है तो बस यही फार्मूला को
जो रूल है इसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कर देंगे, 0.42001514 इसको काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फॉलोइंग 5 in 5 10 to 5 90, बस इसके बाद 0.25400001514 दिस इज अ फाइनल नंबर हमारा इंडिया टोपोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। बस इसको एनालाइज कर देंगे जैसे मैंने लास्ट वाला एग्जांपल में कराया था। अगर एक चीज और है इसके अंदर, अगर इसके साथ हमारे को ये लिखा जाता है पीरियडिकल पीरियडिकल टोपोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। पीरियडिकल किसका पार्ट है हमारा? पीरियडिकल क्या है हमारा? सीरियल पब्लिकेशन। और सीरियल पब्लिकेशन किसमें मिला हमारे को? यहाँ पे जो सीरियल पब्लिकेशन का नंबर है वो है 05, यहाँ पे सीरियल पब्लिकेशन ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, 0.25400001514 ये दिया हुआ है। अब इसका नंबर हमारे क्या मिला? 05। अब 05 हमारे को यहाँ से मिला, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सब डिवीजन को दो बार यूज हो रहा है एक मेन क्लास के अंदर, हमारी मेन क्लास 0-5 थी इसके अंदर दो बार यूज हो रहा है, तो हम उसको दो बार ही यूज करेंगे। कैसे? यहाँ पे फिर दो बार जीरो लगाएंगे और 5 लिखेंगे, इससे ये इंडिकेट मिल रहा है कि हम स्टैंडर्ड सब डिवीजन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये नंबर बना हमारा सेकेंड। किसका नंबर है ये? इसका नंबर है। अगर ये टाइटल में ऐसी इस टाइप से अगर कोई भी टाइटल ऐसा आता है जिसके अंदर दो दो आपको जो स्टैंडर्ड सब डिवीजन है टेबल वन से मिले, तो आपको इस तरह से दोनों को सेम पैटर्न से सेम प्रोसीजर से उसी तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है गाइस, समझ आया आप लोगों को? मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कराए, आशा है मुझे कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग जो टेबल का टेबल के लास्ट में फर्स्ट समरी, सेकंड समरी एंड थर्ड समरी, तो तीन समरी दी हुई हैं, उनको डेली देखा करो। देखने के बाद ये थोड़ा सा आईडी लगाया करो किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा नंबर है। अगर आप देखोगे तो देखो मैंने अभी इंडेक्स यूज नहीं किया है, मैं डायरेक्ट आपको उसी 100 डिविजन्स के थ्रू करा रहा हूँ आपको। ठीक है गाइस, और एक ही पैटर्न चल रहा है और मैंने उसी स्टेप्स को लेके आपको करा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। आइए अब हम पढ़ते हैं DDC की टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 हमारी क्या है? एरियाज। एरियाज मीन्स डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्रीज, ये सब हमारी एरियाज के अंदर आती है। और हमारी जो टेबल है वो कम से कम 70% इतनी बड़ी है कि हम उसमें जितने भी कंट्रीज के नंबर देखेंगे वो नंबर हमारे को उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए जब भी आपको कोई भी एरिया या जब भी किसी कंट्री का नंबर देखना हो तो आप इंडेक्स का आपको यूज़ करना है। ठीक है गाइस, डायरेक्ट इंडेक्स से आपको जल्दी नंबर मिल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी अपना नंबर बना सकते हैं। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं और कुछ मैंने एरियाज के नंबर्स निकाले हुए हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं एरियाज टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 हमारी एरियाज है। हमारा पहला जो 100 डिवीजन है उसके ब्याप पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिए हैं और कुछ मैंने टेबल 2 से एरियाज के नंबर लिए हुए हैं, जैसे 0-0 लाइब्रेरी साइंस, 3-7 इंटरनेशनल रिलेशन, 3-0 इकोनॉमिक्स, 3-7 इकोनॉमिक रिलेशन, 3-82 फॉरेन ट्रेड, 3-68 इंश्योरेंस। ये मैंने कुछ सब्जेक्ट 100 डिविजन्स से लिए हैं और सेकंड समरी, थर्ड समरी, और उसके बाद मैंने कुछ टेबल 2 से कुछ कंट्रीज के कोड नंबर लिए हुए, जैसे 54 इंडिया का नंबर, 73 USA का नंबर, 44 फ्रांस, 52 जापान,
5493 श्रीलंका, 51 चाइना, 31 इटली, 41 यूनाइटेड किंगडम। ठीक है गाइस, आइए आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल नंबर 2। स्टार्ट करते हैं, पहला टाइटल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जापान। हमारा टाइटल क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जापान। यहाँ पे एरिया हमारा है जापान और इकोनॉमिक्स हमारी क्या है? मेन क्लास। तो हम इकोनॉमिक्स का नंबर हमने कहाँ से लिया? यहाँ से इकोनॉमिक्स का नंबर 330। जब अब ये नंबर आप कहाँ पे देखेंगे? शेड्यूल में हमने जाके देखा 330 पे इकोनॉमिक्स का नंबर दिया हुआ था, लेकिन हमारा टाइटल क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन। जब हमने 330 पे इकोनॉमिक्स का नंबर देखा तो वहाँ पे जाके हमने मेन क्लास 330 पे जाके देखा कि वहाँ पे एक हमारे को, जैसे हम स्टैंडर्ड सब डिवीजन को सर्च करते थे कि कहीं पे स्टैंडर्ड सब डिवीजन दिया हुआ है या नहीं, ऐसे हम इसमें देखेंगे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमारे को मिला 0.09 हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट, और यहाँ पे दिया हुआ था क्लास इकोनॉमिक कंडीशन एंड सिचुएशन इन 330.9। जब हमने 330.9 पे गए तो वहां पे हमारे को नंबर मिला इकोनॉमिक कंडीशन, इसका नंबर मिला 330.9। अब हमारे को जापान का नंबर देखना है। ठीक है गाइस, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी एरियाज लगेगा उसके साथ 09 लगेगा। एरियाज दिया हुआ होगा उसके साथ 09 लगेगा। किस कंडीशन में? अगर डीडीसी में कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दी हुई नहीं है। जब नहीं दी हुई होगी तो हम 09 लगाएंगे, अगर दी होगी तो जैसा डीडीसी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने देखा 330 हमारा इकोनॉमिक कंडीशन का नंबर था। अब जापान का नंबर हम कहाँ से देखेंगे? मैंने बताया था टेबल टू से। तो हम वहाँ से नंबर लेंगे, लेकिन हम इसको सर्च कहाँ करेंगे? डायरेक्ट इंडेक्स में, जल्दी मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा। तो जब हमने जापान का नंबर इंडेक्स में देखा तो हमने देखा 52, इसका नंबर कितना मिला? 52। अब इसका नंबर बनाएंगे 330.9, और ये हमारा हो गया इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद 52 हमारा क्या है? जापान का नंबर। ये हमें कहां से मिला? हम ये बताएंगे नहीं कि हमने इंडेक्स से लिया है, हमें अपना टाइम बचाना होता है एग्जाम में कि जल्दी से जल्दी हमारे को नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल टू। कोई भी एरिया लेंगे तो हम उसको टेबल टू से दिखाएंगे। जब भी आप इंडेक्स में जाओगे तो जापान देखोगे तो जापान के आगे 52 लिखा होगा और उसके आगे एरिया लिखा होगा, दैट मीन्स टेबल टू। तो यहाँ पर टेबल टू अब फाइनल नंबर बनेगा 330.952। ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। ठीक है गाइस, जब ये इसलिए हमने यहाँ पे 09 नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि 09 का यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, इन्होंने अपने आप ही हमारे को एक नंबर दे दिया 330.9, इसने डायरेक्ट हमारे को नंबर बना दिया। दैट मीन्स इसके अंदर हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल यूज ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका दैट इज फाइनल नंबर 330.952। ठीक है गाइस, समझ में आया? आइए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइटल हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ये टाइटल हमारे को ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, और एलिमेंट्री एजुकेशन का नंबर हमारा है 372, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पे आया 372 एलिमेंट्री एजुकेशन। अब ये हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया है, इंडिया दैट मीन हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल में आ रहा है। तो यहाँ पे जब हमने जाके देखा तो वहाँ पे 372 पे एलिमेंट्री एजुकेशन था और 0.9 पे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट दिया हुआ था, दैट मीन्स 372.9 ये हमारा नंबर बन गया। अब हमारे को इंडिया का नंबर लेना है। इंडिया का नंबर हमने टेबल में जाके देखा, इंडेक्स में जाके देखा, तो हमारे को टेबल नंबर मिला 54।
तो फाइनल नंबर हमारा 372.954। इसको एनालाइज कर देंगे 372 क्या हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन और इंडिया का नंबर कितना था 54। ये हमें कहां से मिला, हमें लिखना है टेबल टू, ध्यान रखना इसको इंडेक्स मत लिख देना ये तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। 372.954 दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। हमारा एजुकेशन इन फ्रांस, एजुकेशन का नंबर हमारा कितना था 370 और फ्रांस का नंबर 44। अब जब हम 370 में गए तो वहाँ पर जाके हमने देखा कि इसमें कुछ भी इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 370.09 ऐड करेंगे और डायरेक्ट हम इसका नंबर लगा देंगे फ्रांस का। अब इसके बाद जब मैंने ये बताया था आपको पहले, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ये बाद की जीरो नहीं कटेगी, उसके लिए पहले ये वाली जीरो कटेगी। तो हम इसको इस तरह से जीरो काट देते हैं तो 37 ये जीरो आगे आ जाएगी 0.944। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ एजुकेशन इन फ्रांस। अब इसको एनालाइज कर देंगे 372 हमारा क्या है एजुकेशन जीरो नाइन हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल। ट्रीटमेंट ये लिखना जरूरी है और 44 किसका नंबर है फ्रांस का। कहां से लिया हमने टेबल टू से और फिर फाइनल नंबर हमारा ये बन जाएगा। फाइनल नंबर क्या बना एजुकेशन इन फ्रांस। ठीक है गाइस, मैंने टेबल वन में आपको ये बताया था कि डॉट के आगे पीछे जीरो होगी तो बाद की जीरो कटेगी, बाद की जीरो नहीं कटेगी, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ आप लोगों से। ये हमारा इसके जो रूल था वो ये था कि पहले वाली जीरो को हम काट देते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए ये हमारा टाइटल फाइनल नंबर बना एजुकेशन इन फ्रांस 370 एजुकेशन 09 हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल 44 फ्रांस। तो फाइनल नंबर 370.944। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल हमारा इंश्योरेंस ऑफ चाइना, इंश्योरेंस ऑफ चाइना। इंश्योरेंस का नंबर हमारा है 368 इंश्योरेंस, 368 इंश्योरेंस का नंबर। जब हम शेड्यूल में गए तो 368 इंश्योरेंस पे देखा तो वहाँ पे हमारे को दिया हुआ था 368.009 हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल। फिर वहाँ पे नीचे लिखा हुआ था क्लास ट्रीटमेंट बाय स्पेसिफिक कंट्रीज लोकेलिटीज इन वर्ल्ड 368.9। तो हम ये नंबर लेंगे 368.9, वो स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए बोल रहा है। तो हमारी स्पेसिफिक कंट्रीज क्या है चाइना। बस अब चाइना का नंबर हम निकालेंगे, चाइना का नंबर कहाँ से देखेंगे हम इंडेक्स से। इंडेक्स से जब हमने चाइना का नंबर देखा तो हमारे क्या मिला 51। तो यहाँ पे हमारे को मिला 51, तो यहाँ पे लिख देंगे टेबल टू। अब फाइनल नंबर बना देंगे 368.951 हमारा नंबर बना इंश्योरेंस का जीरो नाइन हमारा बना
हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट और 5-1 हमारा किसका बना, चाइना का नंबर, कहाँ से मिला, टेबल 2 से। तो फाइनल नंबर बना हमारा 368.951। जब हमारे को यहाँ पे 2 0 के साथ हिस्टोरिक ज्योग्राफिकल दिया हुआ था तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था ये प्लास ट्रीटमेंट बाय स्पेसिफिक कंट्रीज, उसके लिए स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए या वर्ल्ड में कोई भी है तो वहाँ पे हम 368.9 यूज़ करेंगे। 368.9 और फिर हमारा नंबर बन जाएगा। तो फाइनल नंबर हमारा बना इंश्योरेंस ऑफ चाइना का 368.951। ठीक है गाइस, आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। फॉरेन रिलेशन मीन्स पॉलिटिकल साइंस। दो कंट्री के बीच में जब भी कोई रिलेशन होता है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। तो अब हमने जब देखा फॉरेन रिलेशन, तो फॉरेन रिलेशन को जब हमने 100 डिवीज़न 1000 सेक्शंस के अंदर देखा तो हमारा 3-7 पे मिला इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन दैट मींस फॉरेन रिलेशन। फिर जब हम 327 पे गए तो वहाँ पे हमारे को मिला 0.09 पे हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। और वहाँ पे दिया हुआ था कि क्लास फॉरेन पॉलिसी ऑफ द फॉरेन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशन इन 327.32-327.9। तो फिर यहाँ पे 327.3-0.9 तक गए हम, तो वहाँ पे हमारे को क्या मिला, एड एरिया नोटेशन बेस नंबर 327। वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारा बेस नंबर 327 है और वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि फॉरेन रिलेशन बिटवीन द नेशन टू अनोदर नेशन एड 0 टू द रिजल्ट एरिया। समझ में आया दोस्तों, इसमें ये मेंशन कर रहा है कि जब भी दो कंट्रीज आएंगी उस कंट्री के बीच में हम 0 से इसको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे आइए हम देखते हैं। फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, हमारे को फॉरेन रिलेशन का जो बेस नंबर मिला, बेस नंबर क्या था हमारा 327। तो यहाँ पे लिखेंगे 327 पॉइंट, जो कंट्रीज का नाम पहले आएगा उसका कोड नंबर लिखेंगे, इंडिया का नंबर 54 और 0 लगाएंगे और यहाँ पे यूएसए का नंबर 73, 54 और 73, ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। जो उसने ये कहा था कि फॉरेन रिलेशन बिटवीन द नेशन टू अनोदर नेशन एट 0 टू द रिजल्ट एरियाज। ठीक है गाइस, इसका मतलब हो गया कि दो कंट्री के बीच में जब भी कोई सिंबल आएगा तो वो हमारा आएगा 0। अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये लिखेंगे 327 और यहाँ पे हमारा क्या है फॉरेन रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन एक की बात है और यहाँ पे रेट में लिखेंगे बेस नंबर और इसके बाद 54 पे हमारे को क्या दिया हुआ है इंडिया का नंबर, कहाँ से मिला हमारे को इंडिया का नंबर, टेबल 2 से। उसके बाद 0 के लिखेंगे हम फैसेट इंडिकेटर और यहाँ पे 73 किसका नंबर, यूएसए का, ये कहाँ से मिला, टेबल 2 से। अब सबको ऐड करके लिख देंगे 327 + 54 + 0 + 73 = 327.54073। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ फॉरेन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइटल। इस टाइप के टाइटल अधिकतर इग्नू के एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। एक दो बार मैंने ये देखा कि इससे रिलेटेड कुछ भी आए लेकिन आता जरूर है। ठीक है गाइस, तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। नेक्स्ट टाइटल देखते हैं,
इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन है। इकोनॉमिक्स रिलेशन का मतलब 330 में इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर जाके हमने देखा तो 337 पे हमारे को मिला इकोनॉमिक रिलेशन, और उसमें सेम कंडीशन वही थी जो हमारा फॉरेन रिलेशन के अंदर थी। ठीक है गाइस, यहाँ पे दिया हुआ था वही सेम कंडीशन 09 हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट क्लास इकोनॉमिक रिलेशन एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक नेशन इन 337 337.32, 337.9 तक। फिर वही सेम जब हम यहाँ पे गए 337.9 तक, तो वहाँ पे वही कंडीशन था कि यहाँ पे हमारा बेस नंबर क्या था 337, और यहाँ पे भी दिया हुआ था इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द नेशन टू अनदर नेशन एट 0 टू द रिजल्ट एरियाज। ठीक है गाइस, वही सेम बना देंगे हम, बस यहाँ पे लिखेंगे हम 337 पॉइंट, और फिर इंडिया का नंबर 54, और यहाँ पे जापान का नंबर 0 लगाएंगे और जापान का नंबर 52, इसे हमारा नंबर बन गया। तो 337 हमारा क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन। लेकिन हमारे को क्या दिया होता है, ये बेस नंबर, उसके बाद 54 किसका नंबर था, इंडिया का नंबर, कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 2 से। 0 हमारे क्या है, फैसट इंडिकेटर, और 52 हमारा क्या है, जापान का नंबर, ये भी हमारे को कहाँ से मिला, टेबल 2 से। अब फाइनल नंबर हमारा बन जाएगा 337 + 54 + 0 + 52 इक्वल टू 337.54052। समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल्स मैं आपको करा रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, हमारे को टाइटल दिया था इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान, तो इकोनॉमिक रिलेशन में जाके हमने चेक किया शेड्यूल में 337 पे हमारा इकोनॉमिक रिलेशन मिला, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल का, तो उसके अंदर हमारे को डिटेल मिली थी कि दो कंट्रीज का एग्जांपल दिया हुआ था 337.3 से लेकर 337.9 के बीच में। जब हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमने देखा एड एरिया नोटेशन बेस नंबर 337, और उसमें लिखा हुआ था इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन द नेशन टू अनदर नेशन एट 0 टू द रिजल्ट एरियाज। फिर उसको हमने उसी प्रकार से जैसे इंडिया जापान का नंबर दिया हुआ है, दो कंट्री के बीच में हमने 0 को ऐड किया, ये हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 337 इकोनॉमिक रिलेशन, ये हमारा क्या था, बेस नंबर, ये हम शो करेंगे, हमें दिखाना है। इंडिया का नंबर टेबल 2 से, 0 हमारा फैसट इंडिकेटर, 52 हमारा जापान, और 337 + 54 + 0 + 52 = 337.54052, दिस इज ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है गाइस, आइए अब हम करते हैं एक एग्जांपल और, टाइटल करते हैं फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडो एंड जापान। ये हमारा को क्या दिया हुआ है, फॉरेन ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड का नंबर हमारा है 382 फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे 382 पे जब हम गए तो वहाँ पे हमारे को क्या मिला, फॉरेन ट्रेड पे 09 हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट मिला, और वहाँ पे हमारे को क्या लिखा हुआ था, एड एरिया इन बेस नंबर 382.09, ये हमारे को बेस नंबर दिया हुआ था। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ था फॉरेन ट्रेड बिटवीन द नेशन एंड अनदर नेशन एड 0 टू द रिजल्ट एरियाज, बस वही उसी मेथड से ही फिर हम इसका नंबर बनाएंगे 382.09, दिस इज अ बेस नंबर, ये हमारे को गिवन है, तो हम यहाँ पे बेस नंबर लेंगे, और इसके बाद फिर हम इंडो का नंबर, इंडो मतलब इंडिया का नंबर 54, और इन दो कंट्री है इसके बीच में 0 लगेगी, और जापान का नंबर 52, दिस इज अ फाइनल नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडो एंड जापान। अब 382 ये हमारा क्या है, फॉरेन ट्रेड, इसके बाद हमारे को 09
यहाँ पे पूरा जो नंबर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 382.09। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे कोई क्या दिया हुआ था, बेस नंबर। ठीक है गाइस, ये हमारे को इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ था कि बेस नंबर जो है वो 382.09 है, ये पॉइंट है यहाँ पे। और उसके बाद 54 इंडिया का नंबर कहाँ से मिला, मैंने आपको बताया था टेबल 2 से, लेकिन सर्च कहाँ किया हमने, इंडेक्स में, जिससे कि हमारा टाइम बचे और जल्दी से जल्दी हम अपने नंबर को सर्च कर सके। और यहाँ पे 00 मान क्या है, फैसेट इंडिकेटर। और यहाँ पे 52 हमारे क्या है, जापान का नंबर। ये कहाँ से मिला, टेबल 2 से। बस अब इसका फाइनल नंबर बन जाएगा 382.09 प्लस 54 प्लस 0 प्लस 52 इक्वल टू 382.09 54 0 52। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जापान। ठीक है गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, और मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट नंबर डायरेक्ट टाइटल आ सकते हैं। बिल्कुल आपको DDC भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट नंबर ही लिख दोगे। ठीक है गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं DDC की टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 हमारी क्या है, स्टैंडर्ड सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि लिटरेचर कौन होते हैं, लिटरेचर वो होते हैं जो पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं एंड स्टोरीज लिखते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके किसी भी टाइटल में पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन ये सब आएगा तो आप समझ जाना ये हमारी DDC की टेबल नंबर 3 से है। इसमें हमारी जो मेन क्लास होती है वो होती है 800। जब भी कोई टाइटल का हम नंबर निकालेंगे तो उसकी मेन क्लास हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, 800 से। जैसे मान लो एक टाइटल है हमारा हिंदी लिटरेचर, अभी टाइटल हमारा क्या कह रहा है, हिंदी लिटरेचर, मतलब लिटरेचर है। अब ये पता नहीं वो क्या लिखता है बट लिटरेचर है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या होगा, हिंदी लिटरेचर। अब हिंदी का नंबर और लिटरेचर का नंबर हमारे को चाहिए, लिटरेचर का हमें पता है 800 हमारी मेन क्लास है, हिंदी का नंबर कहाँ से मिलेगा, हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है गाइस, हिंदी क्या है हमारी, एक लैंग्वेज है, तो हमारी टेबल नंबर 6 एक लैंग्वेज है। तो टेबल नंबर 6 में हिंदी का नंबर दिया हुआ है 9143, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9143 और यहाँ पे टेबल नंबर 6 से, कहाँ से मिला, टेबल नंबर 6 से। अब जब मेन क्लास बनेगी हमारी, मेन क्लास क्या है, लिटरेचर, तो लिटरेचर हमारी मेन क्लास है, फिर 3 के बाद डॉट, फिर 9143। ठीक है हमारा यहाँ तक आया। इसके बाद ये दिया हुआ है हमारे को 91, इसको हम यहाँ आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 891.43। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ हिंदी लिटरेचर। समझ में आया, अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लिटरेचर, इसका नंबर हमारे कितना दिया हुआ है 800, और 9143 इसका नंबर हिंदी, कहाँ से मिली, टेबल 6 से। तो 800 प्लस 9143 891.43, दिस इज ए फाइनल नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। बस आप लोगों को ये समझना है कि जो टाइटल दिया जा रहा है वो टाइटल किसके व्याप पर है। ठीक है, मतलब कि लिटरेचर है तो हमारा किस टाइप का लिटरेचर है, ये आपको क्लियर समझ में आया क्वेश्चन। टाइटल मैंने आपको बताया हिंदी लिटरेचर दिया हुआ था जिसके अंदर हम हिंदी का नंबर निकाला, जो भी लैंग्वेज आएगी वो हमारी मेन क्लास के साथ ऐड होगी।
मान लो यहाँ पे बंगाली लिटरेचर होता तो बंगाली की जो नंबर है, जो लैंग्वेज है, वो हमारा लिटरेचर से ऐड होगा। जैसे इसके अंदर हमें इंक्लूड कर दिया, हम जब भी कभी भी किसी का नंबर बनाएंगे लिटरेचर में तो लैंग्वेज हमेशा मेन क्लास के साथ आएगी। ठीक है गाइस, आइए एक एग्जांपल और करते हैं। बंगाली पोएट्री, मान लो हमारा टाइटल है बंगाली पोएट्री। अब बंगाली क्या है, दिस इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारे कहाँ से मिली, यहाँ से टेबल नंबर 6 से, जो हमारी लैंग्वेज है। टेबल 6 से नंबर क्या मिलेगा, 9144। अब हमें पोएट्री का नंबर चाहिए। अब पोएट्री से हम समझ गए ये क्या है, हमारा एक लिटरेचर का पार्ट है। तो हम सबसे पहले कहाँ पे जाके देखेंगे, टेबल नंबर 3 में। जब टेबल नंबर 3 में गए तो वहाँ पे हमारे को पोएट्री का नंबर मिला 1। क्या मिला, 1। और कहाँ से मिला, टेबल 3 से। ये हमें कहाँ से मिला, टेबल 6 से। बस अब हम नंबर क्या बनाएंगे इसका, जैसे मैंने बताया हमें 800 तो मेन क्लास लेनी ही लेनी है आपको, यानी कि 8 9 1 4 4 1, 1 2 3 3 के बाद डॉट, तो ये हमारा फाइनल नंबर बना। कैसे बना, 800 हमारा क्या है, लिटरेचर। कैसे पता लगा हमारे को कि लिटरेचर है, पोएट्री से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे लिटरेचर आया और यहाँ पे 9143 हमारा क्या है, हिंदी का नंबर। कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 6 से। और एक नंबर हमारे को कहाँ से मिला, पोएट्री का, पोएट्री का नंबर मिला हमारे को टेबल नंबर 3 से। तो हमारा फाइनल नंबर बना 891.441। ठीक है गाइस, आइए एक एग्जांपल और करते हैं। हिंदी ड्रामा, ये टाइटल हमारे पास मिला, हिंदी ड्रामा। इस टाइटल से हम समझ गए कि इसकी मेन क्लास क्या होगी, लिटरेचर। और लिटरेचर हमारे क्या है, टेबल नंबर 3। और उसकी मेन क्लास हमारी क्या है, 800। ड्रामा का नंबर हमें कहाँ से मिल सकता है, टेबल 3 से। हिंदी का नंबर कहाँ से मिल सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि टेबल 6 से, 9143। तो इसका नंबर 9143, हिंदी का नंबर टेबल 6 से मिला, और ड्रामा का नंबर टेबल 3 से। टू नंबर कहाँ से मिला, टेबल 3 में। अब वही फाइनल नंबर बना देंगे हम, यहाँ पे 800 हमारे को ध्यान रखना है, ये किसका नंबर है, लिटरेचर का नंबर है। फिर इसके बाद 9143 किसका नंबर है, हिंदी का नंबर है। कहाँ से मिला, टेबल 6 से। इसके बाद 2 नंबर किसका है, ड्रामा का नंबर है। कहाँ से मिला, टेबल नंबर 3 से। फाइनल नंबर क्या बना, 891.432। हाँ जी, समझ में आया आपको, ये जो मैंने आपको टाइटल कराया, कुछ नहीं है, सिंपल दिया हुआ है। हिंदी ड्रामा में हिंदी का नंबर ये दिया हुआ है, ड्रामा का नंबर दिया हुआ है, लिटरेचर। इससे हमें पता लगेगा कि ये हमारा एक लिटरेचर है। ठीक है गाइस, इससे पता लगा, क्या पता लगा, कि ये हमारा लिटरेचर है। और लिटरेचर की मेन क्लास हमारी किससे स्टार्ट होती है, 800 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट नंबर बन जाएगा। ये एनालाइज इस तरह से करेंगे हम, ध्यान रखना है आपको, एनालाइज भी करना है इस तरह से। ये एनालाइज है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये आपका 4 नंबर का है और ये आपका 3 नंबर का है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। एक टाइटल पूरे 7 नंबर का है, आपके एग्जाम में 7 टाइटल आते हैं, 7 में से आपको 5 करने होते हैं। ठीक है गाइस, एक टाइटल हमारा कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। उस 7 नंबर को डिवाइड किया गया है, 3 मेन क्लास निकालनी है आपको, एनालाइज करोगे उसका 4 नंबर है। आइए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट टाइटल है हमारा हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब हमारे को ये पता है हिंदी का नंबर क्या है, लिटरेचर का नंबर क्या है। हिंदी का नंबर हमारे को पता है 9143, कहाँ पे, टेबल 6 में।
लिटरेचर का नंबर 800, अब हमें चाहिए हिस्ट्री का नंबर। हिस्ट्री का नंबर हम कहाँ पे सर्च करेंगे? कुछ बच्चे डायरेक्ट इंडेक्स में देखते हैं, हमें इंडेक्स में नहीं देखना। बस हमारे को ये पता लग गया कि ये लिटरेचर है, इसका मतलब टेबल नंबर 3। तो पहले टेबल नंबर 3 में जाएंगे और वहाँ पे क्या देखेंगे? हिस्ट्री का नंबर। जब हम टेबल नंबर 3 में गए तो हमारे को हिस्ट्री का नंबर मिला 09। वहाँ पे दिया हुआ था हिस्ट्री एंड क्रिटिकल एप्रेजर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या मिला हमारे को? 09। और कहाँ पे मिला? टेबल 3 में। बस अब इस नंबर को अरेंज करेंगे। किस तरह अरेंज करेंगे? सबसे पहले मेन क्लास, फिर उसके साथ लैंग्वेज, फिर हिस्ट्री का नंबर, मतलब 891.43 और हिस्ट्री का नंबर 09। ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। क्या नंबर बना? हिस्ट्री ऑफ हिंदी का लिटरेचर का नंबर बना 891.4309। अब इसको एनालाइज करेंगे। 800 हमें लिखना है, जरूर लिखेंगे लिटरेचर, नाइन वन फोर थ्री हिंदी कहाँ से मिली? टेबल 6 से। 09 किसका नंबर है? हिस्ट्री का। कहाँ से मिला? टेबल 3 से। और फिर फाइनल नंबर हमारा ये बन गया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा आप लोगों को? बस थोड़ा थोड़ा सा, कोई प्रेशर नहीं लेना किसी चीज़ का, आराम से समझो और आराम से हम करते जाएंगे। बहुत ही इजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो। इसको देखिए आप लोग, ये क्लियर हो गया आपको? आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कलेक्शन और एंथोलॉजी मीनिंग एक ही है। अगर आपके एग्जाम में एंथोलॉजी आ जाता है, टाइटल्स एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो आप पूरे इंडेक्स में जब एंथोलॉजी सर्च करोगे तो आपको एंथोलॉजी शब्द नहीं मिलेगा। तो एंथोलॉजी का मतलब है कलेक्शन। आप एंथोलॉजी की जगह कलेक्शन यूज़ कर सकते हो, तो यानी कि कलेक्शन हो या एंथोलॉजी हो एक ही बात है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर। हमारा टाइटल है एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब इस टाइटल से इसको हमें पता नहीं है क्या है, बट हमारे को इसको पता है 9143 और 800, इसका हमें पता नहीं है। अब हमारे को क्या पता लगाना है? सबसे पहले हम जाएंगे टेबल नंबर 3 में और वहाँ पे जाके देखा कि एंथोलॉजी का दूसरा वर्ड है कलेक्शन, जो हमारे को 08 मिला टेबल नंबर 3 में। तो 08 मिला हमारे को टेबल नंबर 3 में। इसको हम कलेक्शन, हम जानते हैं कि कलेक्शन को ही एंथोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता कि इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जिसके बाद पे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। अब फाइनल हमारा नंबर क्या बनेगा? जैसे मैंने बताया, मेन क्लास के साथ हिंदी इंक्लूड करेंगे, बाद में फिर ये वाला नंबर ऐड करेंगे, मतलब 891.43 हमारा यहाँ से आ गया 91.43। अब हमारे क्या चाहिए? 08। ये हमारा फाइनल नंबर बन गया, किसका? एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्लियर दोस्तों? बस इसको एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसीजर, 8 लिटरेचर, 9143 हमारा हिंदी हो गया, कहाँ से मिला? टेबल 6 से। और 08 हमारा क्या है? 08 हमारा एंथोलॉजी लिख लो या कलेक्शन लिख लो, एक की बात है। तो यहाँ पे कहाँ से मिला? टेबल नंबर 3 से। इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बन गया कलेक्शन, कलेक्शन के लिए एंथोलॉजी ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा आप लोगों को? आप लोग इसको उतारिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम किसी भी टाइटल को बनाएंगे तो हमें टाइटल को थोड़ा सा, टाइटल को समझना है कि टाइटल किस सेंस में जा रहा है, कहाँ पे बोल रहा है। जब तक हम टाइटल को नहीं समझेंगे हमें मेन क्लास का पता नहीं लग पाता है।
आपके पास अगर ये टाइटल आता तो इसमें आप क्या करते, सीधा सीधा एंथोलॉजी को सर्च करते। किस में सर्च करते? इंडेक्स में। आपका कितना टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में? एक एक मिनट भारी है, बल्कि एक एक सेकंड भारी होती है आप लोगों को करने के लिए। टोटल आपके एग्जाम में मैंने जैसे बताया कि 60 टाइटल आएंगे, बस 60 टाइटल को हमें 5 टाइटल को निकालना है, और 5 टाइटल को निकालते वक्त हमें टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेली मैंने बताया था कि DDC में हमारे को 3 समरीज दी हुई हैं, फर्स्ट समरी, सेकंड समरी एंड थर्ड समरी। आपको डेली उनको देखिए किस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं उनके कौन कौन से नंबर हैं, जिससे हम जल्दी से जल्दी अपनी मेन क्लास तक पहुँच के जल्दी से अपना नंबर निकाल सकें। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइटल। हमारा नेक्स्ट टाइटल है हिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री। हिंदी पोएट्री मतलब क्लियर हो गया, हिंदी का नंबर 9143 टेबल 6 से, और पोएट्री का नंबर 1 टेबल 3 से। इसका नंबर अभी जैसे मैंने बताया टेबल 3 में हिस्ट्री का नंबर दिया हुआ 09, तो हमारा नंबर क्या बनेगा आप 891.431, पहले यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद 09, इस तरह से हमारा नंबर बनेगा। ठीक है गाइस, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके टाइटल में हिस्ट्री ऑफ हिंदी पोएट्री आएगा, पोएट्री मतलब लिटरेचर, एक लिटरेचर है, अगर उसका कोई वर्क दिया हुआ है, मतलब कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये पर्सन है, ये कौन है, एक लिटरेचर है, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये लिटरेचर तो है लेकिन क्या लिखते हैं, ये पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, फिक्शन लिखते हैं, तो वो हमारा वर्क होता है, उसके लिए हमारे यहाँ पे एक जीरो ऐड होगी जो हमारा कहलाता है वर्क। फाइनल नंबर हमारा ये ना बन के हमारा क्या बनेगा 891.431009, दिस इज ए फाइनल नंबर। इज दैट क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ये जो जीरो एक्स्ट्रा है ये किसकी, हमारी वर्क की। वर्क मतलब वो जो लिटरेचर है वो कौन सा काम लिखता है, पोएट्री लिखता है, ड्रामा लिखता है, फिक्शन लिखता है या स्टोरी लिखता है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो पर्सन किस चीज़ का लिटरेचर है तो हम उसको कैसे जानेंगे कि वो हमें किस चीज़ की नॉलेज दे सकता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा ये नंबर बन गया 891.431009। अब इसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज में 800 हमारा क्या हो गया, लिटरेचर। 91.43 हमारा क्या है, हिंदी का नंबर, जैसा कि अब तक आप करते आए हो टेबल 6 से, और पोएट्री का नंबर 1 है, कहाँ से मिला, टेबल 3 से। एक जीरो जो हमने ऐड करी है इसको बोल सकते हैं, बोलते हैं फैसेट इंडिकेटर। फैसेट इंडिकेटर मतलब एक नया पक्ष ऐड हुआ है उसमें। और यहाँ पे किसका नंबर रह गया हमारा, हिस्ट्री का नंबर 09, किसका नंबर है, हिस्ट्री का नंबर, कहाँ से मिला, टेबल 3 से। तो फाइनल नंबर क्या बना 891.431008009। बस हो गया, समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत इजी है DDC। बस बच्चों के मन में एक ये रहता है कि DDC क्या है, हवा बनी हुई है लोगों के माइंड, बच्चों के माइंड में कि भाई DDC ये बहुत टफ है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, समझ में नहीं आता क्या से क्या करें, कहाँ से क्या करें। मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपनी वीडियो बनाई है, किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सका, लेकिन दोस्तों अब मैं जल्दी ही और वीडियो लेके आऊँगा, और आपके लास्ट ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो DDC के और कैटलॉगिंग के हैं वो मैं आपको कराऊँगा। आप लोग मेरे से बने रहिए। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्रिटिकल स्टडी ऑफ
लव इन हिंदी पोएट्री, क्रिटिकल स्टडी ऑफ लव इन हिंदी पोएट्री टाइटल हमारा है। बस आइए अब हम इसको करते हैं। क्रिटिकल स्टडी का नंबर नहीं पता, लव का नंबर नहीं पता, हिंदी और पोएट्री का नंबर पता है। मेन क्लास में पता लग गई, हिंदी का नंबर लिख लेंगे 9143, इसका नंबर एक, ये टेबल सिक्स से मिला, ये टेबल थर्ड से मिला। अब हमारे को किसका नंबर चाहिए, क्रिटिकल स्टडी का और लव का नंबर का। अब हम इस नंबर को हम कहाँ पे देखेंगे, टेबल नंबर थ्री में। जब हम टेबल नंबर थ्री में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे हमारे को 09 दे रखा था क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल ही क्रिटिकल स्टडी होती है, तो इसका मतलब है इसका नंबर क्या मिला हमारे को, 09। कहाँ से मिला, टेबल थ्री से। अब हमारे को देखना लव का नंबर। लव का नंबर जब हमने देखा टेबल थ्री में, तो टेबल थ्री के लास्ट में, टेबल थ्री ए, टेबल थ्री ए में दिया हुआ था 354, इसका नंबर है 354। कहाँ पे, टेबल थ्री ए, वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, उसमें टेबल थ्री में, क्वेश्चन में नहीं सॉरी, टेबल थ्री में गिवन है। क्या गिवन है कि लव का नंबर 354 टेबल थ्री ए में मिला। अब इस पूरे नंबर को हम अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे अरेंज, सबसे पहले मेन क्लास हमारी क्या आएगी, पोएट्री ड्रामा, उसके बाद लैंग्वेज जुड़ेगा, उसके बाद क्रिटिकल स्टडी, फिर उसके बाद लव। मतलब कि 891.43 पोएट्री का नंबर वन। पोएट्री क्या है, वो लिटरेचर है, क्या करता है, पोएट्री लिखता है, मतलब कि उसका वर्क भी आएगा। तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगी और फिर यहाँ पे इसका नंबर 09 आ गया। अब इसके बाद लव का नंबर आ जाएगा 354, दिस इज ए फाइनल नंबर, ठीक है, बन गया। देखो अब इस नंबर को हम एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे एनालाइज, देखिए 800 आपको पता ही है क्या है हमारा लिटरेचर, 9143 भी आपको पता है क्या है हिंदी, टेबल सिक्स से 01 क्या है हमारा पोएट्री, टेबल थ्री से 0 क्या है फैसेट इंडिकेटर, और हमारा 09 हमारा क्या है हिस्ट्री का नंबर, कहां से मिला, टेबल थ्री से। अब हमारा क्या था 354, कहाँ से मिला, किसका नंबर है, लव का नंबर, कहाँ से मिला, टेबल 3A से। 800 9143 10 फैशन इंडिकेटर 09 हिस्ट्री टेबल 3 और 354 लव टेबल 3A, लव टेबल 3A में मिला हमारे को किसका नंबर, लव का नंबर। तो फाइनल नंबर हमारा बना किसका, क्रिटिकल स्टडी ऑफ लव इन हिंदी पोएट्री 891.43100935। ठीक है दोस्तों, निकल रहे हैं ना आराम से टाइटल, बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अब हम कुछ एग्जांपल और करते हैं, आइए आइए नेक्स्ट टाइटल करते हैं। कलेक्शन ऑफ लव थीम इन हिंदी पोएट्री, आप लोग कहोगे सेम टाइटल है, नहीं थोड़ा चेंज है किसी कारण, देखो कैसे, ये हमारा एक नया टाइटल है कलेक्शन ऑफ लव थीम इन हिंदी पोएट्री। हमें इसका नंबर पता है 08, कहां से मिला, टेबल 3 से। इसका नंबर अब हमारे को पता लग गया 354, कहां से, टेबल 3A से। और इसका नंबर हमारे को पता है 9143, कहाँ से, टेबल 6 से। और इसका नंबर पता है हमारे को टेबल 3 से, ठीक है। अब इस नंबर को हम अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, उसी तरह से सेम हमारा 800 मेन लिटरेचर आएगा, लिटरेचर हमारा ये दिया हुआ है पोएट्री, इससे पता लगा मेन क्लास लिटरेचर है, 800 स्टार्टिंग में लगेगा। और फिर लैंग्वेज 91.43 और वन, ये पोएट्री है, इसका वर्क है, तो यहाँ पे एक जीरो आएगी और इसके बाद 08,
ठीक है गाइस, अब इसका नंबर 354, यहाँ पे एक जीरो ऐड होगी टेबल 3A के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे 354। अगर आपके टाइटल में कलेक्शन आता है तो आपको टेबल 3A के लिए, टेबल 3A में से कुछ भी मैटर लेना है तो उसके लिए आप जीरो ऐड करेंगे। टेबल 3 जो हमारी टेबल 3 में दिया हुआ है, टेबल 3A, वहाँ से कुछ भी मैटर आप लोगे कलेक्शन के केस में, ओनली कलेक्शन के केस में आप जीरो ऐड करोगे। अगर क्रिटिकल अप्रेजल या हिस्ट्री के केस में आएगा तो आप जीरो ऐड नहीं करोगे। जैसे अभी आपको लास्ट वाला एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको, जिसमें हमें हिस्ट्री दे रखा था, तो वहाँ पे हमने, यहाँ पे 09 था, वहाँ पे जीरो नहीं ऐड की थी, बट इसमें हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये कलेक्शन है। जब भी आपके टाइटल में कहीं भी कलेक्शन लिखा हुआ आ जाता है, आप समझ जाना ये हमारा टेबल 3 से जुड़ा हुआ है। और टेबल 3 में अगर कलेक्शन से रिलेटेड टाइटल के अंदर कुछ भी मैटर टेबल 3A से आता है तो उसको हम जीरो से ऐड करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, कलेक्शन के केस में, ओनली किसके केस में, कलेक्शन के केस में, अगर हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टेबल 3 के अंदर हमारे को क्या दिया है, टेबल 3 में कुछ भी नंबर दिया हुआ, लव थीम हो, लाइफ हो, लाइफ साइकिल हो, कुछ भी एक्स वाई जेड हो, ठीक है, वो दिया हुआ है, जो भी नंबर वहाँ से लेंगे, जिस वर्ड का भी नंबर लेंगे तो हम जीरो ऐड करेंगे। बस दिस इज ए फाइनल नंबर हमारा बना कलेक्शन ऑफ लव थीम इन हिंदी पोएट्री। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक नई से नई वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपको टेबल 4, 5, 6, 7 ये भी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कराऊँगा, और उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आराम से समझिए, इजीली DDC कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारी क्लास होगी जिसमें टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 4 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, एंड टेबल नंबर 6 ओनली लैंग्वेज। टेबल नंबर 4 हमारे को दिया हुआ है, टेबल नंबर 6 दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो हमें ये प्रेजेंट करती है कि आपको जब भी कोई ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो आप समझ जाना कि इसकी जो मेन क्लास होगी वो टेबल नंबर 4 होगी। और टेबल नंबर 6 में क्या है, ओनली टेबल नंबर 6 में हमारे को क्या दिया हुआ है, सिर्फ लैंग्वेज जो बोली जाती है और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसलिए आपको सिर्फ हमें टेबल नंबर के कोर्स वहाँ से लेने हैं और टेबल नंबर 4 का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। टेबल नंबर 4 हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब जैसे एक वर्ड होता है, एक वर्ड से हमारी डिक्शनरी बनती है और डिक्शनरी से हमें सेंटेंस मिलता है। ठीक है गाइस, तो आइए अब हम पढ़ते हैं टेबल नंबर 4 के कुछ एग्जांपल्स। हिंदी लैंग्वेज हमारा टाइटल है, हिंदी लैंग्वेज। अब इससे हम समझ जाएंगे कि हमारी मेन क्लास क्या होगी, टेबल नंबर 4, और इसका जो नंबर है वो क्या है, 400। हिंदी का नंबर जैसे मैंने आपको बताया टेबल नंबर 6 में मिलेगा आपको 9143। सेम वही प्रोसीजर है जो हम टेबल 3 में करते हुए आए हैं कि हम क्या करेंगे, 400.9143 इसको इधर ले जाएंगे और सीधा डायरेक्ट नंबर बनाएंगे 491.43। ये हमारा नंबर बन गया हिंदी लैंग्वेज का। ठीक है गाइस, इसको एनालाइज करेंगे। लैंग्वेज लिखेंगे 400 और हिंदी लिखेंगे हम 9143। ये कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 6 से। ठीक है गाइस, समझ में आया? कुछ भी नहीं है, जिस टाइप से हमने टेबल 3 की थी उसी टाइप से हमारी टेबल नंबर 4 होगी। बस फर्क इतना है, वहाँ पे मेन क्लास 800 थी, यहाँ पे मेन क्लास 400 है। हमें जब भी कोई भी
टाइटल बनाएंगे, हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे 800 है या 400। अगर 800 दिया है दैट मीन्स उसकी मेन क्लास लिटरेचर होगी, अगर 400 है दैट मीन्स मेन क्लास लैंग्वेज होगी। आइए कुछ एग्जांपल और करते हैं। ये हमारा टाइटल है हिंदी वर्ड, ओनली वर्ड। वर्ड से एक लैंग्वेज मिलती है हमारे को, हम कोई भी एक वर्ड लिखते हैं उससे हमें पता लग जाता है ये इस लैंग्वेज का है। अगर हम बंगाली में कोई वर्ड लिखेंगे तो बंगाली लैंग्वेज है, पंजाबी कोई वर्ड लिखेंगे तो पंजाबी लैंग्वेज है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक लैंग्वेज से पता लगा इस वर्ड से कि ये हमारा एक मेन क्लास होगी। तो हम इसका नंबर सर्च करेंगे, कहाँ पर सर्च करेंगे, जब हमें पता लग रहा है कि टेबल नंबर 4 में हो सकता है, जैसे आपको कंफर्म नहीं है फिर भी आपने एक आइडिया लगाया कि जब वर्ड की बात कर रहा है तो वर्ड हमारा टेबल नंबर 4 में है, तो 4 में जाके हमने देखा तो वहाँ पे हमारे को 4 में हमारे को जाके क्या मिला, टेबल नंबर 4 में 81 किसका नंबर था, वर्ड का नंबर, हिंदी का नंबर 9143। बस इसको एनालाइज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या एनालाइज करेंगे, 491.4381 सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने लिटरेचर किया था उसी तरह से हमने इसको मर्ज कर दिया। 400 यहाँ पे लिखेंगे हम, 400 क्या हमारे लैंग्वेज, 9143 हमारा क्या है हिंदी, ये हमें कहाँ से मिला टेबल नंबर 6 से, 81 हमारा क्या है वर्ड, ये वर्ड हमें कहाँ से मिला टेबल नंबर 4 से। बस इस तरह से हमारा ये नंबर बन गया हिंदी वर्ड। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एग्जांपल और करते हैं। एक एग्जांपल ये है अल्फाबेट्स ऑफ बंगाली, अल्फाबेट्स ऑफ बंगाली दैट मीन्स अब आप समझ पा रहे हो ये ग्रामर, जो हमारी ग्रामर होती है हिंदी की उससे हमें आइडिया लग रहा है कि इसमें अल्फाबेट्स भी दिए हुए हैं, वर्ड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें समझना होगा कि टाइटल हमारा क्या बोल रहा है, किस सेंस में जा रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखा अल्फाबेट्स ऑफ बंगालीज, तो यहाँ पे हमारे को ये पता लगा बंगाली क्या है, एक लैंग्वेज है। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स से हमें ये आइडिया लगा कि लैंग्वेज हो सकता है, तो हम इसको कहाँ पे देखेंगे, अल्फाबेट्स टेबल 4 में बंगाली का नंबर हमारे को यहाँ पे गिवन है 9144, और यहाँ पे अल्फाबेट्स का नंबर जब हमने देखा टेबल नंबर 4 में तो 11 नंबर पे हमें मिला अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे हमने 11 नंबर कहाँ से मिला टेबल 4 में। अब उसका नंबर बनाएंगे, डायरेक्ट पहले 4 लगाएंगे फिर 9144 11, 1 2 3 के बाद डॉट लगा देंगे, ये हमारा फाइनल नंबर बन गया। ये 4 क्या है, 4 हमारा लैंग्वेज है। और 11 नंबर हमारा क्या है, अल्फाबेट्स, ये कहाँ से मिला हमारे को टेबल नंबर 4 से। बस ये हमारा इस तरह से फाइनल नंबर बन गया। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, आइए एक एग्जांपल और करते हैं। ये हमारा नया टाइटल है हिंदी डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी, एक डिक्शनरी से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक टाइटल अधिकतर देखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए बच्चों आप लोग इस चीज़ पर ध्यान रखो कि डिक्शनरी जब भी आएगी तो डिक्शनरी हमारी क्या कहलाएगी, लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हिंदी का नंबर दिया हुआ है, डिक्शनरी का नंबर हमने देखा, हिंदी का नंबर अभी हमें पता था 9143, डिक्शनरी का नंबर 3 कहाँ से मिला टेबल 4 से, टेबल 4 से हमारा डिक्शनरी का नंबर मिला। हाँ, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, बच्चे कुछ मिस्टेक करते हैं कि डिक्शनरी का नंबर टेबल नंबर 1 में भी दिया हुआ है, उस पर नंबर दिया हुआ है 03, वहाँ पे आपको लैंग्वेज शो नहीं कर रहा, वहाँ पे वो किसी भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी पूछ रहा है। जब किसी भी सब्जेक्ट की डिक्शनरी पूछेगा तब आप 03 लगाएंगे, और जब खाली डिक्शनरी पूछेगा तो जब आप ओनली 3 लगाओगे। अगर आप लैंग्वेज से कोई भी रिलेटेड डिक्शनरी यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप 3 लगाओगे, ये नहीं कि वहाँ पे 3 की जगह आप 003 लगाओगे। ठीक है गाइस, ध्यान समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, कैसे मिस्टेक करते हैं देखो, यहाँ पे 491 43 1 2 3 और यहाँ पे 3, ये किसका नंबर है डिक्शनरी का नंबर।
यहाँ बच्चे 3 0 3 लगा देते हैं, जबकि 0 3 हमारे टेबल नंबर 1 में भी दी हुई है, लेकिन हमारे को वो 0 3 1 वाली नहीं लगानी। क्यों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि इसलिए कि वो जो डिक्शनरी होती है वो किसी सब्जेक्ट की होती है, जैसे डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर, डिक्शनरी ऑफ फिजिक्स, ठीक है गाइस। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि डिक्शनरी का नंबर यहाँ पे 3 आएगा, बस ये हमारा फाइनल नंबर बन गया हिंदी डिक्शनरी। हिंदी का नंबर एनालाइज करना जरूरी है, यहाँ पे 400 पहले लिखेंगे हम, ये हम देंगे लैंग्वेज 9143 हिंदी टेबल 6 और 3 का नंबर डिक्शनरी कहाँ से मिला हमारे को, टेबल 4 से, बस ये हमारा नंबर बन गया। आइए एक एग्जांपल और करते हैं, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। आपके एग्जाम में फिर बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपके एग्जाम में डिक्शनरी से रिलेटेड एक का टाइटल आता है, ठीक है गाइस। कोई भी डिक्शनरी पूछ सकता है, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, कभी कभी 2-3 की पूछ लेता है डिक्शनरी कौन कौन सी होती है। आप इसका नंबर बनाएंगे, हाँ हम इसका नंबर 9143, इसका नंबर 21, इसका नंबर 3। हमारे को 21 इंग्लिश का नंबर दिया हुआ था टेबल 6 में। अब इसका नंबर एनालाइज कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, 491 जो लैंग्वेज पहले दी गई होगी उसको हम मेन क्लास के साथ अटैच करेंगे, मेन क्लास के साथ इंक्लूड करेंगे 491.43। फिर बीच में डिक्शनरी लगाएंगे हम और फिर यहाँ पे इंग्लिश का नंबर 21। क्यों, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में हो रही है क्या, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की बीच में हमेशा डिक्शनरी आएगी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि आपको बाद में लगाना है, बीच में लगाना है। अगर मान लो आपको कहता है हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन, जर्मन डिक्शनरी 3 लैंग्वेज के डिक्शनरी के बारे में करता है, तो हम इसके साथ 10 ऐड करेंगे और जर्मन का नंबर हमारे को दिया हुआ है 31, ये 31 लिख देंगे। समझ में आया आप लोगों को, एक बार फिर बताता हूँ, अगर हमारे को हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन डिक्शनरी दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लैंग्वेज पहले दी गई है उसको मेन क्लास के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इस हिंदी की हिंदी इंग्लिश में, फिर इंग्लिश जर्मन में, तो जब हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो 3 बीच में लिखेंगे और फिर अलग कंट्री है उसका हम 0 लगा के उसको ऐड करेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब इसको एनालाइज करते हैं कैसे करेंगे, हमारे को पहले हम लिखेंगे लैंग्वेज का 400 किसका नंबर है, लैंग्वेज का। फिर उसके बाद 9143 किसका नंबर है, हिंदी का, कहाँ से मिला, टेबल 6 से। फिर उसके बाद इंग्लिश का नंबर कहाँ से मिला हमारे को, टेबल नंबर 6 से। उसके बाद जर्मन का, जर्मन का नंबर क्या हमारा 31, ये कहाँ से मिला, टेबल 6 से। और 0 हमारे को जो हमने यहाँ 0 ऐड करी है इसको बोलते हैं हम फैसेट इंडिकेटर। और हमारा डिक्शनरी का नंबर 3 है, 3 हमारा क्या है डिक्शनरी का नंबर, ये हमें कहाँ से मिला, टेबल 4 से। बस इस तरह से हम एनालाइज कर देंगे और हमारा टाइटल बन जाएगा, टाइटल का नाम था हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन डिक्शनरी और इसके अंदर 3-3 लैंग्वेज थी, उस तीनों लैंग्वेज को मन कवर करते हुए एक बड़ा टाइटल बनाया जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आए हुए हैं जो डिक्शनरी से रिलेटेड हैं, बस आपको ये समझना है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैं इस पर जोर इसलिए डाल रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश एंड जर्मन डिक्शनरी दिया हुआ है, हिंदी का नंबर 9143, इंग्लिश का नंबर 21, डिक्शनरी का नंबर 3 और इसको हमने ये नंबर हमारा फाइनल बना 491.43321031। ये 3 बीच में हमने क्यों लाया, ये हिंदी से इंग्लिश हो रहा है,
इसलिए हमने डिक्शनरी को बीच में लगाया और इसके बाद अलग कंट्री थी उसके साथ जीरो लगा के हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसको एनालाइज किया, 400 लैंग्वेज 9143 हिंदी कहाँ से मिला, टेबल सिक्स से। 21 हमें इंग्लिश का इंग्लिश लैंग्वेज थी, ये भी हमारी लैंग्वेज थी टेबल सिक्स से। और जीरो हमने कहाँ से लिया, जीरो हमारा क्या है, एक फैसेट इंडिकेटर, थ्री वाला डिक्शनरी। जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में हम नंबर बनाते हैं तो बीच में जीरो से ऐड करते हैं। ये मैंने आपको टेबल नंबर 2 में ही बताया था, आप लोगों को ध्यान हो, उसमें सीधा सीधा हमारे को डीडीसी में इंडिकेशन दिया हुआ था कि जब भी एक कंट्री हो दूसरी कंट्री के बीच में हम जीरो ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा नंबर बन गया। समझ में आ रहा आप लोगों को बच्चों? देखो आप लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ो, आराम से पढ़ो, आराम से इजीली हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या करा रहा हूँ और आप लोग क्या पढ़ पा रहे हो। ठीक है गाइस, आइए अब हम करते हैं एक एग्जांपल और। हमारा नेक्स्ट टाइटल है इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट टाइटल है इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे इंग्लिश का नंबर, हिंदी का नंबर, लैंग्वेज ये हमें पता है। हिंदी का नंबर 9143 है, लैंग्वेज हमें पता है 400 है, और इंग्लिश का नंबर 21 है। वर्ड का नंबर यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वर्ड का नंबर टेबल 4 से 81 लेंगे। लेकिन बच्चों आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, टाइटल को पढ़ो, कह रहा है इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। कोई भी इंग्लिश वर्ड किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बनता है तो वहाँ पे 2-4 से ऐड करेंगे। तो वहाँ पे किससे ऐड करेंगे, हम 2-4 से ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, आइए हम नेक्स्ट टाइटल करते हैं इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश का नंबर 21 मिल गया, हिंदी का नंबर 9143, और ये लैंग्वेज का नंबर 400। अब वर्ड का नंबर यहाँ बच्चे 81 ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारा टाइटल क्या कह रहा है, टाइटल को ध्यान से देखिए, कह रहा है इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज, यानी कि पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज के लिए, एक लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए है तो वहाँ पर हम 2-4 से ऐड करेंगे। 2-4 यानी कि 24 ये हम ऐड करेंगे। कैसे बनाएंगे इसका नंबर, किस में बनाना है हमारे को, हिंदी लैंग्वेज में, इसके लिए किसके लिए, किस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए कह रहा है, हिंदी लैंग्वेज के लिए। तो 491.4324 और फिर इसके बाद हिंदी का नंबर, ये फाइनल नंबर हमारा बन जाएगा। ये यूज़ नहीं करना 81, क्योंकि पर्टिकुलर एक इंग्लिश वर्ड है, हो सकता है यहाँ फ्रेंच लिखा, खाली फ्रेंच लिखा हो, फ्रेंच इन हिंदी लैंग्वेज, तब आप 2-4 ऐड करोगे। स्पेनिश इन हिंदी लैंग्वेज, तब आप स्पेनिश का नंबर यूज़ करोगे। ठीक है गाइस, अब इसको एनालाइज कर दो, 400 लैंग्वेज 9143 हमारा क्या है, हिंदी कहाँ से मिला, टेबल 6 से। 2-4 हमारा क्या है, फैसेट इंडिकेटर, जो भी हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा उसको फैसेट इंडिकेटर में डाल दो। और फिर 21 हमारा क्या है, इंग्लिश। बस इस तरह से हमारा नंबर बना इंग्लिश वर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बस थोड़ा सा टाइटल पे बैठे जानना पड़ेगा कि टाइटल हमसे क्या कह रहा है, यहाँ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ये यूज़ नहीं करना। आइए नेक्स्ट टाइटल हमारा हिंदी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। इसके टाइटल के अंदर हमारे को दिया हुआ है हिंदी फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, यानी कि जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उसके लिए हिंदी, यानी कि मैन मतलब कि कोई ना कोई लैंग्वेज तो यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी वो मिडिल क्लास क्या बनेगी, लैंग्वेज। तो हमने जाके टेबल 4 में देखा, टेबल 4 में मिला हमें 8-4 पे, जहाँ पे दिया हुआ था फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज डिफरेंस, और इसमें दिया हुआ था स्पीकिंग
पेपर यहाँ पे हमारे को दिया हुआ था, इसका नंबर हमारे को मिला 824। ठीक है गाइस, अब इसका हिंदी का नंबर 9143। अब एनालाइज कर देंगे हम 491.43824। क्या सीख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? इंग्लिश। बस ये हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा। समझ में आपको? देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, फोर हमारा क्या होगा, लैंग्वेज, 9143 हमारा क्या है, हिंदी, टेबल सिक्स से 824 क्या हमारा, 824 हमें दिया हुआ था क्या, हु दोज फॉर दोज हु नेटिव ए लैंग्वेज डिफरेंट। तो हम एज इट इज लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीकिंग पीपल, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, स्पीकिंग पीपल लिख सकते हो, या डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं फॉर दोज हु नेटिव है डिफरेंट लैंग्वेज। और यहाँ पे 21 हमारा क्या है, इंग्लिश का नंबर, ये कहाँ से मिला, टेबल थ्री से, टेबल सिक्स से, और ये कहाँ से मिला, टेबल फोर से। बस इस तरह से नंबर बन गया। यहाँ पे टाइटल ये कह रहा है हिंदी किसके लिए, फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स के लिए। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बस इस तरह से आपको टाइटल को समझना है, पढ़ना है और महसूस करना है कि टाइटल हमसे किस बारे में कहना चाह रहा है, हमें उस पर थोड़ा वेटर डालना है। ये नहीं कि बस हिंदी देखा, हिंदी का नंबर डाला, इंग्लिश का नंबर अलग ढूंढा, स्पीकिंग पीपल का नंबर नहीं मिल रहा तो हमने कुछ भी उसको लिख के सीधा आ गए, तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है गाइस, आइए अब हम करते हैं एक नेक्स्ट टाइटल। हमारा क्या टाइटल दिया हुआ है, हिंदी रीडर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अब हमारे को ये दिया हुआ है, यहाँ पे रीडर आ गया है और बाकी सेम वही प्रोसेसर है, इसका नंबर 9143। अब इसका जाकर हमने चेक किया, जब हमने चेक किया टेबल फोर में तो वहाँ पे हमारे को 86 पे मिला रीडर, और 86 फोर पे मिला वही सेम केस, फॉर दोज हुज नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट रीडर फॉर स्पेनिश पेपर। अब हमारे को नंबर मिल गया, इसका नंबर मिला 864। बस अब नंबर बन जाएगा हमारा आराम से, लैंग्वेज इसके लिए दे रखा है तो 491.43864 ये हमारा क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। क्या किसके लिए, इंग्लिश के लिए। बस ये हमारा फाइनल नंबर बन गया, फाइनल नंबर वही 400, लैंग्वेज 9143। अब तो आप लोगों को हिंदी का नंबर वैसे याद हो गया होगा, टेबल नंबर 6 और 21, इंग्लिश टेबल नंबर 6 और 824 हमारा क्या है, रीडर स्पीकिंग पीपल, ये लिख सकते हो। बस ये हमारा नंबर बन गया। समझ में आया दोस्तों आपको? अच्छा देखो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरह से आपको टेबल कराई है, अगर आप उस तरह से टेबल थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो DDC की बुक मिली हो इग्नू से, उसके कुछ टाइटल लो और उस टाइटल को प्रैक्टिस कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं DDC की टेबल नंबर 5, और टेबल नंबर हमारी 5 क्या है, टेबल नंबर 5 है रेशियल इथनिक एंड नेशनल ग्रुप, और जिसका कनेक्टिंग सिंबल होगा 089। इस टेबल में किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, इस टेबल में हमारे को एरिया दिए हुए हैं, उस एरिया के कोर्स दिए हुए हैं, और हमारे को टाइटल को क्या समझना है, हमें टाइटल से ये समझना है कि किस टाइटल में इस टाइप की इंफॉर्मेशन होगी, जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रेशियल एथिक्स एंड नेशनल ग्रुप। दैट मीन्स लोगों के वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के जो लोग बोलते हैं वो भाषा, उस टाइप का कोई भी टाइटल आपका आएगा तो आप समझ जाना हमारा टेबल नंबर 5 से रिजल्ट लिया गया है, और टेबल 5 का हमारा कनेक्टिंग सिंबल है 089। हाँ बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारे को DDC में कोई भी इंस्ट्रक्शन दी होगी तो हम इनका यूज़ नहीं करते, 0890 का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। जो इंस्ट्रक्शन DDC में दी होगी आपको सिर्फ उन्हीं को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे का मान लो एक एग्जांपल हमने लिया।
लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ऑफ पंजाबी। यहाँ पे किसके बारे में बात चल रही है? पंजाबी। पंजाबी मीन्स वहाँ के पर्सन, वहाँ के लोग। इससे हमें आइडिया मिला कि हमारा टाइटल कहाँ पे जाएगा, टेबल नंबर 5 में। अब यहाँ का पंजाबी का नंबर हम कहाँ से लेंगे? पंजाबी का नंबर हमारे को मिल जाएगा टेबल 5 में मिल जाएगा, और टेबल 6 में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है गाइस, हमारे को टेबल 5 में एरिया दिया हुआ है 9142 पंजाबी, 9144 बंगाली। तो हमारे पास पंजाबी का नंबर हमारे को मिला टेबल 5 से 9142। अब हमारे को इसका नंबर चाहिए। ये हमारी क्या है? ये मेन क्लास है। मेन क्लास मतलब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी टाइटल अगर लाइब्रेरी का आएगा तो हमारा जो लाइब्रेरी का मेन क्लास बनेगी वो कहाँ से बनेगी? 0 to 0 से लेके 0 to 9 तक के बीच में। तो हम जब शेड्यूल में गए तो शेड्यूल में हमारे को 0 to 5.42 पे क्लासिफिकेशन मिला, तो इसका नंबर बना 0 to 5.42। और जब हमने यहाँ पे जाके देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया हुआ। जब हमने यहाँ पे देखा तो कोई भी टेबल 5 से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ था। तो इसलिए अब हम कनेक्टिंग सिंबल क्या लगाएंगे? 08। तो हमारा फाइनल नंबर बना 0 to 5.42, 089 और 9142। दिस इज अ फाइनल नंबर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाबी। आप इसको एनालाइज कर देंगे। एनालाइज कैसे करेंगे? हमारे को 0 to 5.42 किसका नंबर मिला? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का। इसके बाद हमारे को क्या मिला था? 089 हमारा कनेक्टिंग सिंबल है। यहाँ पे हम क्या लेंगे? फैसेट इंडिकेटर, फैसेट इंडिकेटर। और उसके बाद 9142 हमारा क्या है? पंजाबी। पंजाबी कहाँ से मिला हमारे को? टेबल 5 से भी कह सकते हो और टेबल 6 से भी ले सकते हो। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैंने एक सिंपल छोटा सिंपल एक एग्जांपल लिया जिसके व्याप पे आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाबी, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, टाइटल को हमें ध्यान देना है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाबी दिया हुआ है। पंजाबी से हम समझ जाएंगे कि वहाँ के नेशनल ग्रुप्स के बारे में बात चल रही है। तो हमने यहाँ से पंजाबी के नंबर टेबल 5 से लिया, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन हमारी मेन क्लास थी, वहाँ से हमने मेन क्लास नंबर निकाल के यहाँ पे हमने चेक किया कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। जब इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो फिर हमने ये फाइनल नंबर बनाया और फिर इसको हमने एनालाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और करते हैं। नेक्स्ट टाइटल हमारा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाली। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाली। अब देखिए, यहाँ पे हमारे को टाइटल पे वेटेज डालना है। हमें ये पता लग गया बंगाली यानी कि वहाँ के नेशनल ग्रुप, वहाँ के लोग बाग। तो वहाँ से बंगाली से हमारे को नंबर मिला 9144। अब हमारे को इकोनॉमिक कंडीशन को देखना है। इकोनॉमिक कंडीशन, दिस इज अ मेन क्लास। मेन क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में गए 330 पे, फिर वहाँ पे जाके हमने देखा तो 330.9 पे हमारे को यहाँ पे दिया हुआ था इकोनॉमिक्स का नंबर, और 330.9 पे हमारे को इकोनॉमिक्स कंडीशन ये गिवन था वहाँ पे। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ था, अब हमारे पास ये नंबर बन गया। अब यहाँ पे जाके हमने चेक किया, क्या चेक किया कि कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दी हुई। किस टाइप की इंस्ट्रक्शन? कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमारे टेबल 5 से रिलेटेड हो। जब हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो हमारे को वहाँ पे इससे रिलेटेड, टेबल 5 से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी। तो इसलिए अब हम इसका नंबर बनाएंगे फाइनल 330.9 और फिर 089 और यहाँ पे 9144। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाली। सेम उसी तरह से ओपन करेंगे 330.9 हमारा क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन।
और बंगाली का 089 हमारा क्या है, फैसेट इंडिकेटर, फैसेट इंडिकेटर। और हमारे को क्या दिया हुआ है, बंगाली का नंबर 9144, यहाँ लिखेंगे हम बंगाली। टेबल फाइव, हम टेबल सिक्स भी लिख सकते हैं, टेबल फाइव भी लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया का नंबर दिया हुआ है, एरिया नंबर सेम वही है जो टेबल नंबर फाइव में है और टेबल नंबर सिक्स में दिया हुआ है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, टेबल फाइव भी डाल सकते हैं, टेबल सिक्स भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से हमारा फाइनल नंबर बन गया इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बंगाली का 330.9089 9144। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको कराता हूँ। हमारा नेक्स्ट टाइटल है पंजाबी कुकिंग। पंजाबी कुकिंग, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगा कि कुकिंग है मतलब कि वहाँ का खान पान है, वहाँ का एक रहन सहन है, वहाँ जो लोग खाते पीते हैं, ठीक है। तो हमारे को कुकिंग से आइडिया मिला कि हमारा क्या हो सकता है, कि हमारा टेबल फाइव से रिलेटेड है। और टेबल फाइव में जब हमने देखा, ये हमारा किस में आता है, टेक्नोलॉजी अप्लाइड टेक्नोलॉजी साइंस में, उसमें 641 पे जब हम गए तो वहाँ पे हमारे को मिला फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक मिला हमारे को। और जब फूड एंड ड्रिंक में हमने जाके देखा 641 पे हमारे को दिया हुआ था 592 पे इतनी कुकरी, और इतनी कुकरी के अंदर डिटेल दी हुई थी कि टेबल 52 बेस नंबर 641.592 ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। मतलब कि उसमें हमारे को क्या दिया हुआ था, बेस नंबर, और बेस नंबर हमारे को क्या दिया हुआ था 641.592, ये हमारा बेस नंबर था। अब हमें पंजाबी का नंबर चाहिए, पंजाबी का नंबर 9142। अब मेन नंबर हमारा फाइनल क्या बनेगा, 641.592 9142। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ पंजाबी कुकरी। इसको एनालाइज करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है 641 पे इतनी कुकरी, यहाँ पे बेस नंबर, बेस नंबर क्या जाता हमारे को, इसमें लिख देंगे 641.592, इस टाइप से लिखेंगे 641.592 इतनी कुकरी। तो बेस नंबर हमारे को यहाँ पे गिवन था। अब हमारे को किसका नंबर चाहिए, पंजाबी का नंबर 9142 किसका नंबर है, पंजाबी का। और पंजाबी हमारा क्या है, टेबल फाइव या टेबल सिक्स कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके अंदर हमारे को कोई कनेक्टिंग सिंबल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डीडीसी से इंस्ट्रक्शन मिला हमारे को कि टेबल नंबर फाइव को उसने बेस नंबर बनाया, और बेस नंबर बनाने के बाद उसने हमारे को एक एग्जांपल दे दिए, एक टाइटल को समझा, और फाइनल हमारा एग्जांपल बना 641.592 9142। दिस इज़ ए एग्जैक्ट टाइटल। देखा बच्चों कितने आसानी से हम सारी टेबल को यूज़ कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैंने आपको कुछ टाइटल कराए टेबल फाइव से, कुछ भी नहीं है, बस हमारे को वहाँ का एनवायरनमेंट कल्चर ये सब को समझ के टेबल फाइव को फॉलो करना है। और टेबल फाइव में जो कनेक्टिंग सिंबल दिया हुआ है 089, आपको उसको फॉलो करना है। और ठीक है गाइस, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। ठीक है बच्चों, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे को आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पे सारा कुछ कराऊंगा। आपको एशिया डीडीसी मार्क 21 मैं सारा कंप्लीट करा रहा हूं। अब मैं इसके बाद आपको टेबल 7 की एक वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा, और उसके बाद फिर मैं कॉन्फ्रेंस इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट्स इनके कैटलॉग कार्ड बनाऊंगा। और मैंने जैसे आपको बोला है कि पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको सोल्ड कराऊंगा। आज हम लास्ट टेबल ऑफ डीडीसी के पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पर्संस। पर्संस मतलब पर्सन कौन होते हैं, जैसे पर्सनालिटी, जैसे कोई लाइब्रेरियन है,
कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई जर्नलिस्ट है, मतलब इस टाइप के कुछ भी आपके टाइटल में इस टाइप के कोई पर्सनैलिटियाँ आती हैं तो आप समझ जाना कि वो हमारे टेबल सेवन से रिलेटेड है। और टेबल सेवन में हमारा जो करेक्टिंग सिंबल होगा वो होगा 024088। इन दोनों में से हम कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके DDC में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है, अगर इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे, अगर नहीं दी होगी तब हम इसको यूज़ करेंगे। मैंने जितनी भी DDC में अब तक टेबल बताई है यही रूल रहा है, अगर इंस्ट्रक्शन दी होगी तो हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम इस टाइप की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, इसमें फोर अगर आता है, अगर आपके टाइटल में फोर आता है तो आप समझ जाओगे कि ये हमारी टेबल नंबर सेवन से है। और सेवन में हमारे को क्या दिया हुआ है, कनेक्टिंग सिंबल दिया हुआ है, ये पर्सनैलिटी है। ये मैथमेटिक्स का नंबर हमें पता है 510 है, हमारे को पता है कि 510 हमारे को शेड्यूल में मिल जाएगा 510। इंजीनियर का नंबर हमारे को नहीं पता, तो इंजीनियर का नंबर हम कहाँ पे जाके देखेंगे, टेबल नंबर सेवन में, लेकिन पहले 510 पे जाके इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे। चेक इंस्ट्रक्शन, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी टेबल नंबर सेवन से रिलेटेड है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे 024 या 088 या अदरवाइज अगर कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारे को नहीं मिली कोई भी इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हमने इंजीनियर का नंबर देखा, कहाँ पे देखा इसको, हम कहाँ पे देखेंगे, टेबल नंबर सेवन में। टेबल नंबर सेवन में जब हमने देखा तो वहाँ पे इंजीनियर का नंबर था 062, यहाँ पे क्या दिया हुआ था 062। अब हम इसका नंबर बनाएंगे, नंबर क्या बनेगा 510.088 और उसके बाद 062। मैंने आपको बताया था एक जीरो आगे पीछे हो तो हम ये वाले जीरो काट देते हैं, फिर हम इसको आगे लिख देते हैं 510.88062। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। अब इसको एनालाइज करेंगे, 510 हमारा क्या दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, और हमारे को क्या दिया हुआ था, इंजीनियर का नंबर कितना था 062। कहाँ से मिला, टेबल नंबर सेवन से। अब हमारे को और क्या दिया हुआ था, और कुछ है ही नहीं, बस सीधा हमारा फाइनल नंबर बन जाएगा। हमारे को हाँ, हमारे को कनेक्टिंग सिंबल दिया हुआ था 088, इसको लिख देंगे हम फैसेट इंडिकेटर, बस दिस इज अ फाइनल नंबर 510.88062। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियर। देखा बच्चों कितनी आसानी से हमने अब तक के जितने भी टाइटल हैं आराम से निकाल लिए हैं, आप लोग भी इस तरह से निकाल सकते हो, बस आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। सबसे पहले टाइटल को देखेंगे, टाइटल में हमें क्या दिया हुआ, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, यहाँ पे हमारे को फॉर मिला, इससे हम समझ गए कि हमारा टेबल सेवन से रिलेटेड है और टेबल सेवन में कनेक्टिव सिंबल ये दिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे जाके इसमें देखा मैंने क्लास पे, तो मेरी क्लास पे हमें क्या मिला 510, और 510 पे हमने क्या चेक किया, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किसके, कि उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई है या नहीं। जब हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी, तो हमने फिर क्या किया 062 को हमने कहाँ पे देखा, टेबल सेवन में। टेबल सेवन में हमारे को मिला 062 पे, 062 पे मिला हमारे को इंजीनियर। जब हमारे को इंजीनियर मिला तो हमने सीधा फाइनल नंबर बना दिया और इसका एनालाइज कर दिया, 510.510 हमारा मैथमेटिक्स, 062 इंजीनियर जो हमें टेबल सेवन से मिला था, 088 फैसर इंडिकेटर, और इसके बाद हमारा फाइनल नंबर बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। अब हम करते हैं एक एग्जांपल और। नेक्स्ट टाइटल हमारा एथिक्स फॉर जर्नलिज्म, इसमें हमारे को क्या दिया हुआ, एथिक्स। एथिक्स हमारी मेन क्लास है, एथिक्स हमारी मेन क्लास क्या है 174, हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है
174 पे एथिक्स दिया हुआ है, और एथिक्स हमारी अलग अलग टाइप्स की होती है, ठीक है, अलग टाइप्स मतलब प्रोफेशनल होती है और कुछ हमारी इलीगल होती है, लीगल एथिक्स होती हैं इसमें इस टाइप के। जब हम वहाँ पे जाके देखा शेड्यूल में जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो क्या दिया हुआ था, 174 पे एथिक्स 0.09 अदर प्रोफेशनल में दिया हुआ था, टेबल 72 बेस नंबर 174.9 ये हमारे को दिया हुआ था। अब हमारे को देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल गई, अब हम ये कनेक्टिंग सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे को डीडी से इंस्ट्रक्शन मिली, क्या मिला था कि इसमें बेस नंबर इन्होंने बता दिया, बेस नंबर बना 174.9। अब हमें इंजीनियर का जर्नलिस्ट का जर्नलिज्म का नंबर ढूंढना है, जब हमने जर्नलिज्म का नंबर ढूंढा टेबल 7 में तो वहाँ पर मिला 097। जब हमने जर्नलिज्म का नंबर सर्च किया किसमें, टेबल नंबर 7 में, तो वहाँ पे मिला 079 पे जर्नलिज्म, तो यहाँ पे रख जाएगा 097। दिस इज ए फाइनल नंबर ऑफ एथिक्स फॉर जर्नलिज्म, मतलब इसको हम खोलेंगे एथिक्स को, हमारे को नंबर दिया हुआ है 174.9, क्या दिया हुआ था यहाँ पे एथिक्स, और यहाँ पे दिया हुआ था बेस नंबर, इसके बाद 097 हमें कहाँ से मिला, किसका नंबर है, जर्नलिज्म का, ये हमें कहाँ से मिला, टेबल 7 से। बस अब इसको हमने फाइनल नंबर बना दिया, ये हमारा फाइनल नंबर बना 174.9097। सब क्लियर हो रहा आप लोगों को, मैंने जितनी भी आपको टेबल कराई सब आपको समझ में आई होगी मुझे आशा है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी थी, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, कुछ आपको डाटा निकले होंगे, कुछ डाटा आपसे नहीं निकले होंगे, बट बच्चों आप लोग मेरी इन वीडियो को बार बार देखो, जो समझ में नहीं आता फिर दोबारा देखो, जब तक क्लियर ना हो आप आगे मत बढ़ो, ठीक है बच्चों। आपको बस क्या करना है, जितने भी टाइटल हैं टाइटल का कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या कहना चाहते हैं, किस सेंस में जा रहे हैं, बस आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को क्या करना है, मैंने सारी डीडीसी आपको टेबल 7 होती हैं सारी डीडीसी टेबल 7 करा दिए, मैंने आपको एसआर 2 कराया, मार्क 21 कराया, और मैंने आपको डीडीसी भी करा दी। आप लोगों को अगर ऑनलाइन नहीं मिल रही हो डीडीसी तो आप मेरे व्हाट्सअप करके मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप के थ्रू आपको डीडीसी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हाँ एक बहुत ज़रूरी काम जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, क्या, लाइक और सब्सक्राइब करना, ये मत भूलना आप लोग। आप लोग जब लाइक सब्सक्राइब करते हो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम जल्दी जल्दी और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम किसी का तो भला कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे क्लासेस नहीं हो पा रही हैं आपकी, उसके बावजूद मैंने कुछ ये सोचा कि हम क्यों ना एक वीडियो बच्चों को प्रोवाइड कराएं, जिससे कुछ बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हमने पूरी कोशिश करी है कि हम उनको कैटलॉग का, डीडीसी का और मार्क 21 की डिटेल करा सकें। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है, वो ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे इस नंबर पे बात कर सकता है, मैं ये गारंटी है कि मैं आपको डेफिनेटली 70 में से 50-60 के बीच में आ रहा हूँ, इतने नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ आपको, और कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, ठीक है बच्चों। आपको इसलिए मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पिछले 6-7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बच्चे मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट आ चुके हैं, जिसके ब्याप पे मैंने कुछ बच्चों के कहने पर वीडियो को अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के बाद मैं आप लोगों तक पहुँचा। कोरोना का टाइम था, क्लासेस हो नहीं पा रही थी, आप लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, इतनी महंगी फीस, इतना बड़ा सिलेबस, 9 सब्जेक्ट्स, बच्चा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, डीडीसी एसआर 2 मार्क 21 समझ में नहीं आता है। मैंने फिर भी थोड़ा कोशिश करी आप लोगों को, अगर किसी भी बच्चे को डीडीसी मार्क 21 और एसआर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे को बात कर सकते हैं, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं फेल नहीं होने दूँगा, पेपर किसी भी टाइप का है,
ठीक है बच्चों। अब आपके लिए मैंने जैसे बताया था कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर होल्ड कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कॉन्फ्रेंस की, रिपोर्ट्स की, इंस्टीट्यूशंस की ये एंट्री और करा देता हूँ, जिससे कि कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर सेल्फ एंड योर फैमिली।